फर्स्ट हमारी क्लास है ये ओरिएंटेशन क्लास, और इसमें हम समझना चाह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट असल में है क्या चीज़। अच्छा, तो स्लोगन देखें मैंने लिखा है यहाँ पर कि अ न्यू वे ऑफ डूइंग गूगल एंड बाइंग प्रोडक्ट्स दैट इज़ टेकिंग ओवर एवरीथिंग। अच्छा, तो ये एक नया तरीका है बिल्कुल चीज़ों को गूगल करने का। मिसाल के तौर पर अभी हमें कोई चीज़, गूगल का मतलब है सर्च करने की बात हो रही है, ये गूगल तो जस्ट एक सर्विस है, सर्च करने की और भी कई सर्विसेज हैं। तो पहले जब हमें कोई चीज़ गूगल करनी होती थी, कोई चीज़ सर्च करनी होती थी, तो हम क्या करते थे कि हम google.com पे जाकर और फिर हम उसके अंदर अपनी क्वेरी एंटर करते थे और एंटर का बटन दबाते थे। अच्छा, लेकिन अब एक बिल्कुल नया तरीका आ चुका है सर्च करने का चीज़ों को। अच्छा, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ हल्की सी। अच्छा, ये मेरे सामने मेरे पास फ़ोन है, आप सब लोगों के पास भी जिनके पास स्मार्टफोन है, आप उसका होम बटन दबाएं और उससे पूछें। अच्छा, मैंने इसको म्यूट किया हुआ तो इसने बट लेकिन फिर भी मुझे बता दिया कि जो बाइडन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ ताकि ये बोल सके। अच्छा, और मुझे देखें इसने फ़ोटो भी इसकी दिखा दी है, अगर आपको फ़ोटो इसकी दिख रही है तो। अच्छा, और मिसाल के तौर पे मैं इससे कोई दूसरा सवाल अगर करूं कि हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर द क्रिसमस, 340 days ago. 340 days इसने बताया। क्यों, आज क्या डेट हो चुकी है? खैर, पता नहीं इसने क्या बोला। अच्छा, तो इस तरह के आप कई सवाल इससे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मुझे ये चेक करना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, तो गूगल जो स्लोगन मैंने कहा था उससे रिलेटेड बता रहा हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे जाके मैं इसको कह सकता हूँ, हे सीरी, हे सीरी, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड? 2021, the population of world is 7,846,000,000. अच्छा, तो इसने मुझे जल्दी से बता दिया कि 7 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन इस वक्त हो चुकी है। तो आप देखें, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ न्यू वे ऑफ डूइंग गूगल एंड बाइंग प्रोडक्ट्स दैट इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग। टेकिंग ओवर एवरीथिंग का मतलब है कि ये सब जगहों पे आने वाला है। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें, आप एटीएम पे जाते हैं और एटीएम पे जाके आप सेम वो काम करते हैं जो गूगल पे जाके करना होता है। आप कुछ लिखते हैं और आप एंटर का बटन प्रेस करते हैं, जो कि आपकी एटीएम की होती है, आपको कितना अमाउंट चाहिए, ये सारी बातें आप वहाँ पे लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर आप एंटर प्रेस करते हैं और वो मशीन काम करती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें अब वॉइस के थ्रू होने वाली हैं नई किस्म की दुनिया में, और वो नई किस्म की जो दुनिया आने वाली है उसके अंदर जब आप एटीएम में जाएंगे और अपना कार्ड एंटर करेंगे और बायोमेट्रिक से आपकी या पिन डाल के जो भी ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद आप उससे बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे आप इतने 1,000 निकाल दें, तो वो आपको पैसे निकाल कर दे देगा। अच्छा, इस नई दुनिया के अंदर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, इनफैक्ट ये कि अभी मैं किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा हूँ, आप जब रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपके सामने एक टैबलेट रखा हुआ होगा, जैसा कि मेरे सामने ये फ़ोन इस वक्त रखा हुआ है, और जब आप वहाँ पे बैठेंगे तो टैबलेट पे आप एक कंप्यूटर से बात करेंगे, उस पर आप बटन प्रेस करेंगे कि आई वॉन्ट टू ऑर्डर, और फिर आप बोलना शुरू करेंगे कि अच्छा मुझे ये ऑर्डर करना है, वो आपको पूरा मेन्यू दिखाएगा, और फिर आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि मुझे ये चीज़ें दें, फिर वो लास्ट में आपको पैसे बताएगा कि यार इतने आपके पैसे हो गए और इतनी देर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा। अच्छा, काइंडली मुझे ये बता दीजिएगा, मैं हेडफोन मैंने लगा लिया तो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, ये मुझे काइंडली कॉमेंट में बताइएगा। अच्छा, तो ये तो हमने समझ लिया कि ये एक नया तरीका है गूगल करने का चीज़ों को, और चीज़ों को ख़रीदने का। चीज़ों को ख़रीदने से मुराद ये है, जैसा अभी मेटावर्स आप सब लोगों ने देखा, तो उसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, अभी दराज डॉट पी के जो आप यूज़ करते हैं, दराज या अमेज़ॉन पे जाके आप चीज़ें ख़रीदते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि आप जाके अमेज़ॉन डॉट कॉम पे या दराज डॉट पी के पे, इको, यार इको यहाँ पे है, इको वाला इशू यहाँ पे मौजूद है, रूम रूम बिल्कुल खाली है, मैं अकेला ही बैठा हूँ, तो इस वजह से इको का इशू आई थिंक इसमें है, रहेगा आई थिंक। खैर, आपको थोड़ा सा आई थिंक एडजस्ट करना पड़ेगा इको के इशू को लेकर।
मे बी फ्यूचर में इसका मैं कोई इंतज़ाम करूँ दूसरा, आई एम नॉट श्योर। तो हाँ, मैं क्या जिक्र कर रहा था कि आप चीज़ें ख़रीदने के लिए भी आप इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, आप बोल के बात करेंगे। जैसा कि अमेज़ॉन अभी तक तो नहीं निकाला, लेकिन बहुत जल्द वो निकालने वाले हैं मेटावर्स में। जैसे आपने देखा कि वो फेसबुक वालों ने दिखाया कि आप एक मॉल में दाखिल हो रहे हैं और मॉल के अंदर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और आप उसको देख भी रहे हैं, आप उससे बोल के बातें भी कर रहे हैं और आप चीज़ों को ख़रीद भी रहे हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एआई। अच्छा, व्हाट इज़ एआई का मतलब है कि एआई, वैसे तो सब लोगों को पता है कि एआई ऐसी चीज़ है कि कंप्यूटर अगर आपकी बात को समझ रहा है, इतना समझदार आपने कंप्यूटर को बना दिया है कि वो आपकी बात को समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जाहिर है वो आपने कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस उसके अंदर डाली है, जो जिसको आर्टिफिशियली उसके अंदर डाला गया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ये तो है एक लेमैन की ज़ुबान में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, चूँकि अब हम एक टेक्निकल कोर्स में इनरोल होने जा रहे हैं सब लोग, उसकी ये तमहीदी गुफ्तगु है, प्री फेस है एक तरह से, तो आप को टेक्निकल बात पता होनी चाहिए। अच्छा, तो एआई टेक्निकली क्या चीज़ है, मैं टाइम भी देखता रहूँ साथ साथ, क्योंकि फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी मुझे लेने हैं। मिसाल के तौर पे हम पहले ये समझते हैं कि इंसान जो इंटेलिजेंट है, ये इसने कैसे इंटेलिजेंस हासिल की। मिसाल के तौर पे अगर एक मशीन किसी चीज़ को देख के ये पहचान जाए कि ये कार है, या ये एक हैंड फ्री रखी हुई है, या एक सैनिटाइज़र की बॉटल रखी हुई है, ये इंसान चीज़ को देख के पहचान रहा है, अगर मशीन भी इसी तरह देख के पहचाने तो हम उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा, तो हम ये डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस ये स्किल इंसान ने कैसे हासिल की, जैसे कि बोलना। अच्छा, एक बच्चा कितने अरसे में बोलना सीखता है, प्लीज़ कॉमेंट में बताएं आप। अच्छा, तो एक बच्चा जो है, जब वो बर्थ होती है उसकी, तो वो एक साल में कुछ छोटे मोटे वर्ड्स बोलना पड़ता है, बोलना सीख जाता है। उसके बाद जब वो 2 साल का होता है, तो 2 साल का होने के बाद वो छोटे मोटी बातें करना शुरू करता है कि अब भाई मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मम बोलना शुरू करता है बच्चा। तो 2 साल का जब एक बच्चा हो जाता है ना, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उससे कोई कम्युनिकेशन कर लें। जो 1 साल का बच्चा होता है, एक दोस्त ने कहा है कि 10 साल, वैसे तो भाई जो बात है, इंसान को बोलने में तो ज़िंदगी गुजर जाती है, असल में बोलना सीख जाए तो यही बड़ी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि 10 साल भी नहीं लगते, पूरी ज़िंदगी लगती है इंसान को सिर्फ बोलना सीख जाए कि क्या बात बोलनी और क्या नहीं बोलनी। तो लेकिन हम एक एवरेज लगाते हैं, तो 8 महीने में 1 साल में बच्चा इतनी बात नहीं बोल पाता कि आप उससे कम्युनिकेट कर सकें। वो उसको ये पता होता है कि ये अम्मी हैं, ये अब्बा हैं, बस इससे ज़्यादा उसको नहीं समझ आती चीज़। अच्छा, मुझे खाना चाहिए, नहीं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए, तो ये 2 साल से पहले नहीं होता। तो हम एक बेस लाइन खींचते हैं कि एक इंसान को कितना टाइम लगा इस चीज़ को सीखने में, इसकी हम एक बेस लाइन खींचते हैं। 24 घंटे उसकी लिसनिंग हो रही है। अच्छा, बाय द वे, इंसान सोते में भी सुनता है, अगर किसी को नहीं पता। और आप इसका मिसाल इस तरह से समझें कि अगर आप सो रहे हो और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो आपकी आँख खुल जाती है, तो इसका मतलब है कि आप सोते हुए सुन रहे होते हैं। अगर आप सोते हुए, इंसान बहरा नहीं होता, सुन रहा होता है, इंसान के दिमाग में बात जारी होती है और सबकॉन्शियस उसको प्रोसेस भी कर रहा होता है। दिमाग के 2 सेक्शंस हैं, एक सबकॉन्शियस है जो हर वक्त जागता रहता है, और एक कॉन्शियस माइंड है जो थोड़ा आराम भी करता है, थोड़ा थकता भी है, सब कुछ होता है। सबकॉन्शियस ना थकता है ना आराम करता है, वो हर वक्त जागता रहता है। तो सबकॉन्शियस आपका सुन रहा होता है हर चीज़ सोते हुए भी। तो 24 घंटे की ट्रेनिंग। अच्छा, अभी हम इसमें वो वाला पार्ट काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जब भी सुन रहा होता है, ठीक है, ये साइंस से बात साबित है और इस्लाम भी इसको एंडोर्स करता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कुछ अरसे बाद उसमें रूह फूंक दी जाती है, तो वो सुन रहा होता है चीज़ें, और बाकायदा मूवमेंट भी होती है, बाकायदा उसकी एक ज़िंदगी है उसके अंदर, जो एक अलग से गुफ्तगू है उसकी। तो वो पार्ट हम माइनस कर देते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी पर हम बात करते हैं अभी। 2 साल को अब आवर्स में आप कैलकुलेट करें। अच्छा, कैसे आवर्स कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है, न्यू वे ऑफ डूइंग गूगल।
ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स भी देख रहा हूँ आपके में। अच्छा, मैं इससे क्या पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा हाउ मेनी आवर्स इन वन ईयर। 8,765.82 hours. 8,000 समथिंग इसने मुझे फिगर बताया, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसने 8,700 समथिंग बताया। तो एक साल के अंदर ना इन टोटल 8,000 आवर्स होते हैं। अच्छा, तो 8,000 आवर्स एक बच्चा सीखता है तो वो मामा बाबा बोलना सीख जाता है, फिर मजीद 8,000 आवर्स की, क्योंकि 24 घंटे आप सुन रहे होते हैं कुछ ना कुछ, 24 नहीं तो कम से कम 12 घंटे तो सुन रहे होते हैं, तो आप 8,000 को आधा कर लें तो 4,000, तो 4,000 पे तो कोई दो बराए है ही नहीं। बच्चा सुबह इतनी जल्दी उठ जाता है, रात को सोता भी नहीं जो शादीशुदा लोग हैं वो समझ रहे होंगे, तो वो 12 घंटे तो वो लिसनिंग करता है, तो उसके बाद जाके वो बोलना सीखता है। तो हम एक बेस लाइन खींच लेते हैं कि दो साल के 4 और 4 8,000 आवर्स, ये जब इतनी ट्रेनिंग होती है एक बच्चे की तो वो बोलना सीखता है। अच्छा, इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें क्या होता है कि हम मशीन को सिखाते हैं, उसको हम डेटा देते हैं और उसको हम बात बताते हैं कि भाई, थोड़े थोड़े कमेंट्स भी देखता रहूँ साथ साथ में। तो मशीन को हमें सिखाना पड़ता है, तो अगर एक कंप्यूटर को हम बोलने के काबिल बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इतनी ही ट्रेनिंग जितनी एक बच्चे को दी है। अच्छा, कंप्यूटर बच्चा तो चूंकि इंटेलिजेंट बीन है बाय डिफॉल्ट, तो उसको तो शायद इतना वक्त नहीं लगे, लेकिन मशीन को शायद और ज़्यादा वक्त लगे, एक बच्चे से भी ज़्यादा। अच्छा, तो AI हम क्या समझ गए कि एक मशीन होती है, उसको हम डेटा देते हैं। अगर उसको, अगर कैट और डॉग का फ़र्क बताना है तो बहुत सारे कैट की तस्वीर और बहुत सारे डॉग की तस्वीर, ये दोनों हम उसको देते हैं और बताते हैं ये कैट ऐसी होती है, डॉग ऐसा होता है, कंप्यूटर फिर सीख जाता है। अच्छा, इसी तरह जो भी बोलने वाली ज़ुबान है, हम बहुत सारे जुमले उसको देते जाएंगे कंप्यूटर को, और कितने आवर्स तक उसकी ट्रेनिंग चलेगी, 8,000 आवर्स तक, जो कि एक बेस लाइन है। इससे कहीं ज़्यादा भी लग सकती है, इससे इस इतने में तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंटेलिजेंट बीन से कंप्यूटर का एक मुकाबला नहीं हुई। तो ये है जी AI। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ चैट बॉट। अच्छा, चैट बॉट जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, और उससे ना सिर्फ आप बात कर सकते हैं बल्कि वो आपको जवाब देगा उस सवाल का जो आप उससे पूछ रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल दिखाई कि मेरा ख्याल है ये हैंड फ्री मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं हैंड फ्री को ना निकाल लेता हूँ, निकाल के उसको मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अजीब सा एक आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है हैंड फ्री से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। असल में ये हैंड फ्री न्यू है, मैंने ये चेंज की है, तो मे बी कुछ इसके साथ एडजस्ट होने में मुझे टाइम लग रहा है। अच्छा, तो हाँ, तो हम कहाँ थे, वॉट इज़ अ चैट बॉट। तो चैट बॉट जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जिससे आप बात कर सकते हैं और आप जो भी उससे सवालात पूछते हैं वो आपको जवाब देता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो हर सवाल का आपको जवाब नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा कि वो हर सवाल का जवाब दे। जाहिर है जो सवालात उसके प्रोग्रामिंग के अंदर डाले गए होंगे वो उसी का जवाब दे सकता है, उसके अलावा अगर आपने उससे कुछ पूछ लिया तो वो उसको जवाब नहीं देगा। जाहिर है सीरी से मैं 2-4 बातें पूछी हैं, उसके डेटाबेस में ये बात सेफ थी या उसने गूगल के इंजन से कहीं से निकाल के जवाब दे दिया मुझे, जाहिर हर बात का जवाब उसको नहीं पता, कुछ चीज़ों में ये फेल भी होगा कि यार मुझे नहीं पता। तो चैट बॉट एक इस तरह का कंप्यूटर है। अच्छा, अब सवाल है एक, वो सवाल ये है कि बोल के कंप्यूटर की ज़रूरत क्या है। भाई कंप्यूटर तो चल रहे हैं ना अभी, गूगल मिसाल के तौर पे google.com पे आप जाते हैं और google.com पे जाके आप उस पर कुछ लिखते हैं और सर्च करते हैं, रिजल्ट आ जाता है, तो भाई ये कौन सी आपको प्रॉब्लम हो गई है इससे कि आपको अब चाहिए बोल के कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल हुस्ने सवाल आधा इल्म है, अगर आप अच्छा सवाल आपके जहन में आ रहा है तो इसका मतलब है आधा इल्म तो सिर्फ वही है कि आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बार सवाल पता चल जाए ना तो जवाब तो बंदा ढूंढ ही लेता है, या किसी से पूछ लेगा या खुद ही ढूंढ लेगा बंदा, या किसी बुक में तलाश कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग आपके आसपास मौजूद होते हैं जिनसे आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन सवाल आना सबसे पहली इंटेलिजेंस की निशानी है कि आपके जहन में सवाल आए।
अच्छा जी, तो ये आपके सामने एक पेंटिंग मौजूद है जिसमें आपके सामने राइट हैंड पे एक किश टैबलेट्स बने हुए हैं। अच्छा, किश टैबलेट्स क्या हैं? अर्लीस्ट नोन राइटिंग जो है वो किश टैबलेट्स हैं। अच्छा, अर्लीस्ट नोन, इससे पुरानी कोई भी ऐसी दस्तावेज़ नहीं मिली है इंसानी हिस्ट्री के अंदर कि किसी ने लिखा हो। ये फर्स्ट जो सबसे अर्लीस्ट नोन राइटिंग है वो ये मौजूद है। अच्छा, ये है 5,000 ईयर्स अगो, 5,500 तकरीबन जो ये साल पुरानी है ये। अच्छा, और दूसरी साइड पे आप देखें, आपके लेफ्ट हैंड पे एक आपके सामने पेंटिंग बनी हुई है जिसमें दिखाया जा रहा है कि नेंद्राल फैमिली जो है वो बैठी हुई है और वो आग जला के कुछ पका रहे हैं उस पे शायद, और वो बातें भी कर रहे हैं साथ में। अच्छा, ये मिस्टर वुड एक बहुत मशहूर पेंटर हैं, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है। अच्छा, नेंद्राल फैमिली जो है वो कोई रियल फैमिली नहीं है। निंद्राल फैमिली जो है वो कोई रियल फैमिली नहीं है एक्चुअली। ये साइंटिस्ट को जो पुराने फॉसिल्स मिले उसमें जो पुरानी खोपड़ियाँ और पुराने जो हड्डियाँ मिली हैं इनको, उन उसके डीएनए को पढ़ के और साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये निंद्राल, और उस फैमिली को निंद्राल का नाम दिया गया, कि ये कैसे दिखते होंगे। तो उनके जो थ्रोट का जो स्ट्रक्चर है, उनके थ्रोट के स्ट्रक्चर को देख के ना ये अंदाज़ा लगाया है साइंटिस्ट ने कि ये बातें करते थे। अच्छा, तो जैसा कि जाहिर है आप जो काम करते हैं आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप ये काम करते होंगे। मिसाल के तौर पर जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं, आप गूगल कीजिएगा इस चीज़ को। अच्छा, मेरी बाई द वे बात पर कोई बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद आप हैरान हो रहे हो इस बात पर, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ के जो भी बातें कर रहा हूँ उस पर आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट करें सबको, और ख़ुद जाके आप सर्च करें और फिर आप बिलीव करें, अपने ऊपर बिलीव करें, मेरे ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ भी बोलता रहूँगा बैठ के यहाँ पर। इकबाल बड़ा उपदेशक है, दिल बातों से मोह लेता है, तो वो आपको मेरी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको जो है ना चीज़ों को वेरीफाई करें। अच्छा, तो अभी सॉरी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो मैं पहले यहाँ बात करता हूँ, फिर मैं कमेंट्स का अलग से टाइम रखेंगे। तो हम ये बात कर रहे थे निंद्राल फैमिली की। तो निंद्राल फैमिली के जो थ्रोट को देख के ना ये अंदाज़ा लगाया साइंटिस्ट ने कि वो बातें करते थे। मिसाल के तौर पर जो हॉर्स राइडर हैं उनके आप अगर स्ट्रक्चर को स्टडी करें, वो ज़ाहिर है मरने के बाद उनकी हड्डियाँ अवेलेबल होती हैं, तो उनकी जो हड्डी का स्ट्रक्चर है ना, चूँकि हॉर्स राइडिंग बहुत सख्त काम है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उस हड्डी को देख के बताया जा सकता है कि ये बंदा हॉर्स राइडिंग करता होगा। अच्छा, जैसे गेमर्स होते हैं, उनका काम पूरे दिन बैठना होता है, पूरे दिन बैठ के गेम खेलते हैं, वो उनकी हड्डी का स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा, इसी तरह जो लोग फाइटर जेट उड़ाते हैं, फाइटर जेट उड़ाना बहुत ही मुशक्कत वाला काम है, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपके इल्म में इजाफा करूँ, ये फाइटर जेट उड़ाना बहुत ही मुशक्कत का काम है, और उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए होता है, क्योंकि जब जहाज़ पे आप जा रहे होते हैं और इतनी स्पीड से जा रहे होते हैं तो ग्रेविटी डबल ट्रिपल हो जाती है, और इवन 5 डबल तक भी हो सकती है। जो सबसे इस वक्त तगड़ा पायलट है वो एक 9G तक वो जाते हैं, ग्रेविटी 9 डबल। मिसाल के तौर पे आपका सर अगर 5 किलो का है तो वो आप उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 9G पे बहुत ही कम कुछ सेकंड्स के लिए जा सकते हैं। तो जो फाइटर पायलट है ना, उसकी हड्डी का और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख के ये बताया जा सकता है कि अच्छा ये कुछ इस तरह का काम करता होगा, क्योंकि जाहिर है जब एक चीज़ आप करते हैं तो उस हिसाब से आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और एक लंबे अरसे तक करें तो वो बाकायदा एक अपने निशानात छोड़ जाती है वो चीज़। तो जब आप बात करते हैं ना जो, तो एक थ्रोट का आपके जो टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं लंबे लंबे टाइम तक बोलता हूँ, तो मेरे थ्रोट का स्ट्रक्चर देख के ये बताया जा सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने का काम करता हूँ। तो इसी तरह इनके थ्रोट का स्ट्रक्चर देख के ना ये बात अंदाज़ा लगाई गई। अच्छा, ये जो फॉसिल्स मिले हैं ये मिले हैं 100,000 पुराने फॉसिल्स हैं ये। अच्छा, तो इससे हमने क्या सीखा कि बोलने का जो एक्सपीरियंस है हमारा, हमारे एंसेस्टर्स का, वो है 100,000 ईयर्स पुराना, 100,000 ईयर्स से हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लिखने की जो सबसे पुराने सबूत मिले हैं वो जस्ट 5,000 ईयर्स पुराने हैं, इससे पहले मैनकाइंड के लिखने का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, और इससे, अब देखें मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, इससे वाज़े फ़र्क आपको पता चलेगा। अभी मैं जितनी तेज़ी से बातें कर रहा हूँ
इतनी तेजी से मैं क्या आपको लिखकर ये चीजें दे सकता था? नहीं दे सकता था, प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर मैं लिखकर दे भी दूं जस्ट इन केस, तो आप उसको क्या इतनी तेजी से पढ़ पाएंगे जितनी तेजी से आप मेरी बात को सुनते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं? मिसाल आपके सामने मुझे कमेंट्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। तो जितना एक्सपीरियंस हमें बातें करने का है, आप फर्क सामने नजर आ रहा है आपको कि मैं बातें कितनी तेजी से कर रहा हूं और लिख के करने वाला काम जो है वो स्लो हो रहा है। अच्छा, तो हमने इससे सीखा क्या? हमने इससे ये सीखा कि इस वक्त जो कंप्यूटर्स मौजूद हैं उसमें क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है और मुझे टाइप करना पड़ता है और बोल के मैं कुछ भी बहुत कम ऐसे छोटे मोटे शायद ना होने के बराबर हैं। इस वक्त जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर मेरे सामने, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है इस वक्त, और जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं आप जानते हैं सब, उसके अंदर चूंकि मुझे टाइप करना पड़ता है, क्योंकि मुझे माउस के ज़रिए कर्सर को हिलाना पड़ता है, तो इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे एंसेस्टर्स को। तो इस वजह से हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर जितने भी फास्ट हो जाएं, हमारी कंप्यूटिंग में कहीं ना कहीं एक ये स्लोनेस का फैक्टर जो वो रहेगा, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस के हम वॉइस पे मूव कर दें, जिसका हमें 100,000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा, जैसा कि ये देखें आप, एक राइटर हैं डेस्टन कोट्स के नाम से, तो इन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है, उनकी बुक से मैंने ये बात कॉपी की है कि हाउ मेनी टाइम्स आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म अ स्वाइप एंड पिंच जेस्चर, के हमारे जो एंसेस्टर्स थे आबाओ अजदाद, उन्होंने कितनी बार उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि वो स्वाइप जेस्चर या पिंच, जो फोटो को छोटा बड़ा करते हैं जो हम पिंच करके, कितनी बार उन्होंने परफॉर्म किया होगा? जीरो टाइम्स। क्योंकि ये जो डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल पुरानी हैं। अगर आप 90s से पीछे चले जाएं तो ये तो डिवाइसेस होती नहीं थी। अच्छा, फिर अगर हम टाइपराइटर की भी बात करें कि चलो टाइप तो करते थे ना, वो टाइपराइटर का दौर था, तो आज से अगर 200-300 साल पीछे चले जाएं तो टाइपराइटर भी मौजूद नहीं था। तो ये 200-300 साल की कहानी है। अच्छा, उससे पहले ये सब कुछ भी नहीं था, बट पीपल हैव लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ कन्वर्जेशन। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसने क्यों कहा? वो इसने इसी वजह से कहा है कि आप पैदा होने से लेके मरने तक डेली 12 घंटे आप बातें करते हैं। वन हैंड और ऑन अदर हैंड, आप या तो इस तरह कोई क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो आप सुन रहे होते हैं, अगर आप क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं तो आप बोल रहे होते हैं, आप किसी दुकान में जाते हैं उससे आप कम्युनिकेट करते हैं, बोल रहे होते हैं आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, आप गली मोहल्ले में निकलते हैं, किसी अंकल से आपने हेलो हाय की, तो ये भी कम्युनिकेट, तो 12 घंटे आप कंटिन्यूसली बात कर रहे होते हैं। अच्छा, तो जी हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बात बताई है, ये एक्सपीरियंस वाली बात, इसका वाज़े फ़र्क तो एक आपको सामने नज़र आ गया है कि एक्सपीरियंस से सामने साफ जाहिर है कि जितनी तेज़ी से मैं बातें कर रहा हूँ इतनी तेज़ी से मैं लिख नहीं सकता। अच्छा, लेकिन साइंस भी इसको एंडोर्स करती है, ठीक है? ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ आ रहा है, मैं इसकी हेडिंग चेंज करना भूल गया हूँ, आप ये हेडिंग से कन्फ्यूज मत होइएगा, नीचे फोटो जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ये ऊपर जो हेडिंग है ये मैं चेंज करना भूल गया हूँ आई थिंक प्रेजेंटेशन में। अच्छा, तो ये मोनार्श बटरफ्लाई आपके सामने मौजूद है, ये ऑरेंज कलर की एक बटरफ्लाई होती है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, ये तकरीबन सब जगहों पे ही नज़र आती है, कराची में तो ख़ास तौर पे बहुत कॉमन है ये, और पूरी दुनिया के अंदर ये एक कॉमन बटरफ्लाइज में काउंट होती है। अच्छा, तो मोनार्श बटरफ्लाई जो है, आप इसको देखें, ये माइग्रेट करती है 3,000 miles वाइल देयर एज इज़ हार्डली अ फ्यू वीक। अच्छा, ये दिसंबर में जब ठंड पड़ती है कुछ जगहों पे, तो ये निकलती है यहाँ से ठंड की वजह से, और यहाँ से निकल के ये दूसरी जगह जाती है, और फिर नॉर्थ से होती हुई, और फिर जो है ओंटारियो, और फिर उसके बाद साउथ वार्ड, और पूरा चक्कर लगाती है US का ये, और मैक्सिको फिर वापस पहुँच जाती है लास्ट में। तो ये मेक्सिको से निकल के मेक्सिको में पहुंचने तक का जो सफ़र है इसका, ये पूरे एक साल का सफ़र है, और इसमें टाइमलाइन भी इस तरह देखें, दिसंबर जनवरी फरवरी पूरा बताया है इन्होंने, तो ये पूरे साल का चक्कर लगाती है। अच्छा, इनको अच्छा कमेंट में शायद कोई अलग कन्वर्जेशन चल रही है जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ, कमेंट में शायद कोई अलग कन्वर्जेशन चल रही है, एक दोस्त कह रहे हैं कि आई हैव अलेक्सा एट होम एंड शी फील्स एवरीथिंग,
मुझे नहीं पता ये क्या कॉन्वर्जेशन चल रही है। खैर मैं इस पे आता हूँ अभी थोड़ी देर में। हमारे पास अभी 37 मिनट्स हो चुके हैं टोटल इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट हुए हुए। मैं कोशिश करूँगा कि 1 आवर के अंदर इसको मैं कंप्लीट करके फिर बाकी टाइम आपसे बातें हूँ। अच्छा, तो ये 3000 माइल्स का जो सफ़र तय करती है, यूएसए के एक कोने से उड़ती है और दूसरे कोने तक पहुंचती है, और फिर इसी तरह वो वापस आते हैं पूरे उस कोने से वापस पहले तक। तो इनकी जो उम्र होती है वो फ्यू वीक्स है, 1 महीना, 4 वीक, 5 वीक या 6 वीक, इससे ज़्यादा इनकी एज आमतौर पर नहीं होती है। तो साइंटिस्ट इस चीज़ को लेके परेशान है कि अगर इनकी इतनी एज नहीं होती है तो जब ये एक जगह से निकल के जब चले जाते हैं तो इनको ये बात कौन बताता है कि वापस कैसे आना है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप निकल के चले गए और जो जनरेशन यहाँ से निकल के गई थी वो तो 3 जनरेशन रास्ते में ख़त्म हो गई, तो इनको ये कैसे पता चलता है कि वापस आना है और कैसे आना है वापस। अच्छा, ट्रेनिंग की भी अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग इतनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग देना पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप 10,000 लोगों का लश्कर लेके निकले यहाँ से और 10,000 लोगों का लश्कर आप लेके गए दूसरे कोने में पैदल या उड़ के या जैसे भी, तो आप रास्ते में इतनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग दे नहीं सकते कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से याद हो जाए कि अच्छा इस रास्ते से आना है। और मज़े की बात, अगर रास्ते में वापस आते हुए कोई हडल आ जाए तो ये उस हडल को क्रॉस करके वापस अपने रास्ते पर आ जाते हैं। अच्छा, तो ये कैसे हो रहा है? ये एक साइंस की रिसर्च है, आप इसको पढ़िएगा कि मोनाश बटरफ्लाई है जो जाते हैं और वापस आते हैं। अच्छा, लोग तो इसकी एज को लेके परेशान हैं, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनके ब्रेन का एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें इनके एंसेस्टर्स का डेटा सेव होता है। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है और बहुत सारे एनिमल्स को उसका एक्सेस होता है। तो क्या होता है कि हमें भी उसका एक्सेस तो खैर नहीं है, लेकिन हमें समटाइम थोड़ा सा ग्लिम्स आता है। तो इन एनिमल्स को उस ब्रेन के उस पार्ट का एक्सेस होता है जिसमें सारा एंसेस्टर्स का जो डेटा है वो सेव होता है। तो उस ब्रेन को एक्सेस करते हुए ये पूरे उसी रास्ते से होते हुए वापस आते हैं। अच्छा, इंसान को कैसे आते हैं ग्लिम्स वो भी बताता हूँ। आपको सम टाइम ऐसा लगता होगा कि यार मैं तो जैसे मैंने यहाँ पे बैठ के और ग्लास पकड़ा हुआ है हाथ में, तो सम टाइम ऐसा होता होगा कि आपको अम्मी ने आवाज़ दी और ग्लास आपने ऐसे पकड़ा हुआ है और आपको लगता होगा कि यार ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा लगता है कभी कभी। अच्छा, तो या आप किसी जगह से गुजरते हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ तो शायद मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन आपको पता होता है कि यार मैं तो इस सिटी में ही पहली दफ़ा आ रहा हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं पहले पहले यहाँ आ चुका हूँ। कुछ बड़ी डीप किस्म की कन्वर्जेशन चल रही है कमेंट्स के अंदर। खैर, तो चलें, अच्छी बात है, कन्वर्जेशन करना अच्छी बात है। जाहिर है जो आपको पता है वो दूसरे से आपको शेयर करना चाहिए, और जो आपको नहीं पता है वो बिल्कुल पूछना भी चाहिए, वो पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई इल्म किसी की मीरास नहीं है, मोमिन की मीरास है इल्म। जो मुसलमान छोड़ के गया वो दूसरे मुसलमान की छोटा हुआ माल है उसका, तो उसको आपको ज़रूर हासिल करना चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले भी हो चुका है इसी तरह से, तो इस चीज़ को हम, इस नेचर को कहते हैं डीजा वू। इसको आप टर्मिनोलॉजी को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या, इसके बारे में रिसर्च हो रही है और क्या हो रहा है। तो इंसान को भी उस पार्ट का एक्सेस है थोड़ा सा, मैं ये कहूँगा, जो डीजावू की सूरत में हमें बार बार नज़र आ रहा होता है। डीजावू किस वजह से होता है, क्या रीज़न है, उसके मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन उसमें से एक ये भी आप थ्योरी काउंट कर लें। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ से एक्सपीरियंस की जो हमने बात की थी, वो एक्सपीरियंस हमें दो तरह से इस चीज़ को प्रूव कर रहा है। एक तो फ्लुएंटली आप देखें कि बोलने में कितनी फ्लुएंसी है हमारी, और दूसरा आप ये देखें कि जो है मोनाश बटरफ्लाई ऑलरेडी उस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, हम भी उस चीज़ को ये इस्तेमाल करते हुए ये फ्लुएंटली बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई यहाँ तक की कि अगर हम वॉइस पे कंप्यूटिंग को लेकर आ जाएं तो ये बहुत फास्ट हो सकती है। अच्छा, क्या सबूत है, कैसे फास्ट हो सकती है? अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल इसकी भी दिखाता हूँ। ये मैंने फ़ोन उठा लिया। ये मेरे सामने मेरा मोबाइल फ़ोन है, आप सब लोगों के पास भी मोबाइल फ़ोन होगा, जिनके पास स्मार्टफोन है वो ये बीच वाला जो होम का बटन है ये प्रेस करें। आईफोन अगर होगा आपके पास तो सीरी निकल के सामने आएगी, और अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसके अंदर गूगल असिस्टेंट निकल के सामने आएगा। अच्छा, तो आप ये वॉइस कंप्यूटिंग है क्योंकि, तो इसकी मैं आपको पावर दिखाना चाह रहा हूँ कि वाकई वॉइस कंप्यूटिंग से कंप्यूटिंग बहुत तेज़ हो जाती है। जैसा कि मैंने होम बटन प्रेस किया और मैंने इससे कहा कि सेट अलार्म आफ्टर 3 आवर्स फ्रॉम नाउ।
11:42 PM. 11:42 PM पे इसने अलार्म मेरा सेट भी कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो हमारा आपको पता है सोने जागने का कोई होता नहीं है रूटीन। अभी भी इवन इतना टफ मेरा स्केजुअल चल रहा है कि आपको मैं दिखाऊं, मैं ये सैंडविचेस लेके जो है ना बैठा हुआ हूँ यहाँ पे कि यार मैं जो है ना ये सैंडविचेस खाऊं, और ये मैंने जूस के डब्बे शब्बे यहाँ रखे हैं। तो ये ऐसे हो रही होती है डेवलपमेंट। अच्छा, तो मेरे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि मैं काम कर रहा होता हूँ और नींद से ऐसी हालत हो जाती है कि सोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लिखता कुछ लिखा रहा कुछ और होता है, तो ऐसी हालत जब हो जाती है तो फिर सोना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा, तो मुझे फिर उठना भी है बाद में, उठ के काम भी करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं 6 घंटे की नींद लूँ, 6 घंटे सो जाऊँ और फिर उसके बाद एक अलार्म लगे और जो मुझे उठा दे। अच्छा, होता नहीं आमतौर पर ऐसा कि अलार्म से इतनी आसानी से उठ जाऊँ, लेकिन जस्ट इन केस कि 6 घंटे बाद एक अलार्म तो बजे, उठा दे मुझे वो। अब मैं आधी नींद में हूँ, आप इमेजिन करें, मुझे AM PM का फ़र्क उस वक्त समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अगर क्लॉक की अलार्म की ऐप खोलूं और उसके अंदर मैं लगाना शुरू करूं, तो शायद मैं AM की जगह PM और PM की जगह AM कर दूं और सारा गेल गड़बड़ हो जाए। अच्छा, वैसे भी अगर आप फुली कॉन्शियस हैं, आप आधी नींद में नहीं हैं अगर, तो भी आपको अगर ये काम करने बोला जाए कि यार आप 3 घंटे के बाद का अलार्म लगा दें, तो पहले तो आप देखेंगे टाइम, अच्छा यार अभी 8:43 हो रहे हैं, तो 8:43 से 3 घंटे कितने होंगे, 9:43, 10:43 और 11:43। देखो, मुझे काउंट करने में ही 2-3 सेकंड लग गया, ठीक है। फिर अब ये चीज़ मैं उसमें फीड करूँ और AM PM का भी ख्याल रखूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ 6 घंटे, तो 6 घंटे मतलब ये कि PM से फिर वो AM में कन्वर्ट हो जाएगा, AM, तो ये कैलकुलेट करने में मेरा काफ़ी टाइम खर्च होगा। मोबाइल ऐप तो फॉर्म दे देगा, खोल के लिखो आप वहाँ पे और ओके करो। लेकिन इसमें आप ये गौर करें कि मैं इसको चुटकियों में कर सकता हूँ। मैंने ये बटन प्रेस किया, मैंने कहा सेट अलार्म फ्रॉम, गलत बोल दिया, सेट अलार्म आफ्टर 7 आवर्स फ्रॉम नाउ, योर अलार्म इज सेट फॉर 3:44 AM टुमारो। इसको AM PM देखें, खुद सही समझ आ गया, इतना आसान है। अच्छा, गूगल असिस्टेंट पे और अलेक्सा की डिवाइसेस जिन लोगों के पास मौजूद हैं उस पे भी ये सेम चीज़ इसी तरह से चलती है और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, आपने देखा जैसा कि। अच्छा, इसी तरह मुझे मीटिंग चाहिए कोई, मुझे किसी चीज़ के लिए रिमाइंडर लगाना है, मिसाल के तौर पे अब जैसे आज की क्लास थी, इसके लिए मुझे जैसे नेक्स्ट क्लास हमारी होगी कब होगी, थर्सडे को होगी, आज ट्यूसडे ऑफ कोर्स, आज ट्यूसडे और उसके बाद वेनसडे, थर्सडे, तो थर्सडे को मेरी क्लास होगी। अब मुझे थर्सडे की डेट याद नहीं आ रही है क्या है, वैसे तो मुझे याद हो गई 2 December है क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर मुझे अब जो भी अगला थर्सडे आएगा उसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि डेट क्या है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, सेट अ रिमाइंडर ऑन थर्सडे 8 PM फॉर द क्लास। ठीक है जी, आप अगर गौर करें तो इसने 2 December 8 PM इसमें फ्लिप होकर नज़र आ रही है स्क्रीन मेरी, लेकिन आप फिर भी समझ सकते हैं कि इसने 2 December लगा दिया है। मैंने इसको 2 December नहीं बोला, मैंने इसको जस्ट कहा थर्सडे। अच्छा, मैं नेक्स्ट थर्सडे भी कह सकता हूँ, नेक्स्ट थर्सडे में फिर ये थर्सडे छोड़ के, तो इतने समझदार ये हो चुके हैं कंप्यूटर सारे। अच्छा, तो जैसा कि मैंने शुरू में ये जिक्र किया था कि कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हो सकते हैं अगर हम वॉइस के ऊपर इसको लेकर आ जाएं, तो ये एग्जांपल आपके सामने आ गई है। अच्छा, आप सब लोग अब क्या करेंगे, अभी नहीं लेकिन आज की क्लास लेने के बाद, आप ये करेंगे कि गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा या सीरी जो भी डिवाइस आपके पास मौजूद है, आप उससे ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या ऐसे काम हैं जो आप उससे ले सकते हैं, जैसे कि अलार्म सेट करना, जैसे कि रिमाइंडर सेट करना, ये तो मैंने 2 एग्जांपल बताई है, लेकिन इसके अलावा भी कई काम आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं जा रहे हैं, आपने खोला उसको, आपने कहा ओपन माई वर्क स्पेस ऑन गूगल मैप, तो वो आपके ऑफिस की लोकेशन खोल के आपको दे दे और लगा भी दे डायरेक्शन, तो ये कितना फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपके डैशबोर्ड पे फ़ोन लगा हुआ है, तो आप स्टेयरिंग छोड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता समटाइम, तो ये काफ़ी सेफ भी है इस एतबार से देखा जाए। तो आप मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा कि इसमें क्या क्या ऐसे काम है जो इसके अंदर किए जा रहे हैं मज़ीद। अच्छा, मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ तकरीबन 2016-17 से काम कर रहा हूँ, तो आज कोई काइंड ऑफ 4-5 साल होने वाले हैं मुझे। अच्छा, तो
जैसा कि आप सब लोग जितने भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग, उनको इतना आइडिया नहीं है कि वॉइस एप्लीकेशन और चैटबॉट क्या चीज़ है। तो मुझे आज से 4-5 साल पहले क्या पड़ी थी कि मैं इस फील्ड में आ जाऊं, जबकि मुझे किसी हमारे एक टीचर थे ज़िया साहब, बड़े अच्छे टीचर थे हमारे, तो वो एक दिन आए और उन्होंने कहा, इंजमाम भाई ये एक प्लेटफॉर्म है और उस पर ना चैटबॉट बनता है, तो वो बता के चले गए और मैं उसके अंदर लग गया। अच्छा, तो मुझे ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि जस्ट किसी बंदे के ऐसे एक जुमले कहने पे और मैं उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि पिछले 3-4 साल में मैंने चैट बॉर्ड और वॉइस एप्लीकेशन के अलावा कोई काम ही नहीं किया दूसरा। आप मेरी अपवर्क पे या जहाँ पे भी, आप फाइवर पे जो भी मेरे अकाउंट्स हैं, वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट हैं जो अपवर्क से बाहर हो रही होती हैं, लेकिन अपवर्क पे चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो आप मेरे अपवर्क पे अकाउंट पे जाके लिखेंगे इंजमाम मलिक तो मेरा सामने प्रोफाइल आ जाएगी, उस पर आपको दिखेगा कि मैंने पिछले 2-3 साल में, 4 साल में सिर्फ चैटबॉट का ही काम किया और कोई दूसरा काम नहीं किया मैंने। अच्छा, तो वो थी ये हदीस आप सल्लम की। अच्छा, क्या है ये हदीस? अबू सईद खुजरी रहमतुल्लाह, अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी हैं क्योंकि रजी अल्लाह लगाना पड़ेगा इनके साथ, रहमतुल्लाह अलैह से काम नहीं चलेगा। तो इनसे रिवायत है कि बाई द वन इन वोज हैंड्स माई सोल, कसम उस ज़ात की, ये आप सल्लम फरमा रहे हैं और रिवायत कर रहे हैं अबू सईद खुजरी, तो कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, द आवर विल नॉट बी इस्टेब्लिश्ड अनटिल प्रेडिटर स्पीक टू पीपल। आवर कयामत को कहा जा रहा है, कयामत जब तक कायम नहीं होगी जब तक प्रेडिटर्स इंसानों से बात ना करें, एंड अनटिल द टिप ऑफ अ मैंस विप, विप कहते हैं छड़ी को, उससे बात ना करें, एंड द स्ट्रैप ऑन हिज सैंडल, बंदे का जो जूता है, जूते का जो स्ट्रैप है, वो उससे बात ना करे जब तक कयामत कायम नहीं होगी। अच्छा, तीसरी बात इसमें लिखी हुई है कि हिज थाई इन्फॉर्म हिम ऑफ व्हाट अकर्ड इन हिज फैमिली आफ्टर ही लेफ्ट, कि बंदे की जो थाई है वो उसको बताएगी कि जब आप चले गए तो आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ। अच्छा, तो इसमें आप गौर करें कि तकरीबन ये हदीस तो वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो डर की वजह से है कि आपको डर दिलाया जाए कि भाई कयामत की, ताकि आपको निशानी पता चल जाए कि अच्छा ये भी एक निशानी है, और भी बहुत सारी निशानी है कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, जैसे ज़्यादातर आप अपने आसपास देखते होंगे, और कई सारी चीज़ें हैं जो हम सुनते रहते हैं। तो ये एक डर है कि जब आप देखें कि हर चीज़ आपसे बात करना शुरू हो गई ना, तो आप समझ जाएँ कि कयामत आने वाली है। अच्छा, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा नज़रिया भी हो सकता है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज से 4-5 साल पहले जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, तो लोग बड़े अनसर्टेनिटी का शिकार थे कि यार पता नहीं होगा क्या, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। लेकिन मैं उसी वक्त गारंटी से ये कह सकता था कि ये टेक्नोलॉजी आएगी, और ना सिर्फ आएगी बल्कि ये हर चीज़ को टेक ओवर करेगी, हर चीज़ आपसे बात करेगी, आपका फ्रिज भी आपसे बात करेगा, अभी भी कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे कर रहा है, आपका टीवी आपसे बात करेगा, आपकी घड़ी आपसे बात करेगी, ठीक है, एप्पल वॉच की सूरत में उसमें सीरी मौजूद है, एप्पल वॉच जिन लोगों के पास है आप प्रेस करें सीरी ओपन हो जाता है, आप उससे बात कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका मोबाइल फ़ोन तो जैसे मैंने अभी दिखाया आपसे बात कर रहा है। अच्छा, और शूज़ भी बात करना शुरू हो गया है, 2006 में आप सर्च कीजिएगा, 2006 में नाइकी ने एक शूज़ लॉन्च किया था, उसके ऊपर ही स्पीकर लगा हुआ था। टॉकिंग शूज़ लिखेंगे ना आप गूगल पे, बल्कि आप टॉकिंग शूज़ हदीस लिखेंगे तो ये हदीस एक आर्टिकल भी आ जाएगा उसमें, ये मैंने वहीं से कॉपी किया, तो उसमें जो है ना आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि किस किस तरह से ना आज से जो 100 साल पहले के उलमा थे उन्होंने इसको इस तरह से समझा था कि यार शूज़ ये शायद ना ज़मीन, हम चलते हैं तो ये ज़मीन हमारा शूज़ है, तो शायद ये इसकी बात हो रही है, इस पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि अच्छा इस तरफ से कोई आ रहा है, तो ये हम शूज़ यानी ज़मीन हमसे बात कर रही है ट्रैफिक सिग्नल्स की सूरत में। लेकिन फिर उसके बाद कुछ दूसरे जो जदीद उलमा है उन्होंने कहा नहीं यार ये तो जीपीएस की बात हो रही है, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हुए होते हैं तो वो ज़मीन शूज़, उन्होंने भी ज़मीन को ही शूज़ समझा, वहाँ पे वो ज़मीन आपको बताती है कि आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, एक्स और वाई की डायरेक्शन आपको बताती है।
अच्छा, लेकिन अभी के जो उलमा हैं, जैसे ये एक कोई इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, आप टॉकिंग शूज़ लिखेंगे तो वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा, तो वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये एग्जैक्टली शूज़ की ही बात हो रही है, क्योंकि 2006 में नाइकी ने एक ऐसा शूज़ लॉन्च कर दिया है कि जब आप भागना शुरू करते हैं तो वो शूज़ आपको मोटिवेट करता है बोल के कि आप इतने किलोमीटर भाग गए, और भागें, और तेज़ भागें, ये इतनी पेस से भाग रहे हैं आप, आपने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, वो बोल के आपको बता रहा होता है। अच्छा, तो उसकी वीडियो भी उन्होंने आर्टिकल में शामिल की है, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको मौका मिले तो। अच्छा, तो इसी तरह हर चीज़ आपसे बात करेगी। तो मैं उसी वक्त ये श्योर हो गया था इस चीज़ पे कि आप सल्लम की बात जो है, एज अ मुस्लिम, जो भी मुस्लिम कनेक्टेड है हमारे साथ, उनका ये ईमान है मुझ समेत कि आप सल्लम ने जो बात कह दी है वो गलत नहीं हो सकती, वो तो हो के ही रहेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो अच्छा या बुरा या जो भी हो रहा है, तो और वो कयामत की निशानी भी है, तो क़यामत के से पहले पहले ऐसा एक टाइम आएगा ही आएगा कि जब हर चीज़ आपसे बात करेगी। अच्छा, अभी लेकिन इस वक्त राइट नाउ कौन सी चीज़ें आपसे बात कर रही हैं वो ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, ये गूगल की डिवाइसेस आपके सामने नज़र आ रही हैं, तकरीबन कोई 8-10 डिवाइसें गूगल की सामने आपके नज़र आ रही हैं, जिसमें गूगल होम छोटा सा मौजूद है। मैं कर्सर से आपको अगर दिखाऊं, ये गूगल होम मिनी है, ये गूगल होम है, और ये गूगल होम मैक्स है। ये तीन डिवाइसेज हैं जिनसे आप बोल के बात कर सकते हैं। आप कहते हैं हे गूगल, वो जाग जाता है और आप उससे बात करते हैं, और वो आपको छोटे मोटे सवालों का जवाब देता है। अच्छा, ये भी गूगल होम है, स्क्रीन के साथ है ये, इसमें आपको बाकायदा वो तस्वीर दिखाता है, और जिस तरह वेदर बंदे ने पूछा है तो देखें आपने वेदर पूरा बताया हुआ है उसने। अच्छा, उसके अलावा साथ में ये छोटी सी चीज़ पड़ी हुई है, गूगल क्रोम कास्ट। अभी जो नया वाला गूगल क्रोम कास्ट आया है 4th जनरेशन, उसमें आप वो टीवी के पीछे जैसे ही लगाते हैं, पहले ये होता था कि आप क्रोम कास्ट अगर टीवी पे लगा दिए उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी जो नया वाला क्रोम कास्ट आया है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप पीछे लगाते हैं ना क्रोम कास्ट टीवी के, वो पूरा एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको मैं एंड्रॉयड टीवी का व्यू दिखा सकूं, यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी, तो आप उसमें देखेंगे छोटा सा गूगल असिस्टेंट जो है ना, ये एंड्रॉयड टीवी कुछ इस तरह का होता है। जिनके पास भी टीवी पे इस तरह की स्क्रीन आती है वो समझ जाएंगे उनके पास एंड्रॉयड टीवी है। ये छोटा सा गूगल असिस्टेंट का ना आपका लोगो बना हुआ आ रहा है। अच्छा, और आपके टीवी के रिमोट पे जो क्रोम कास्ट 4 है, क्रोम कास्ट 4 के जो टीवी के रिमोट पे ना एक छोटा सा बटन बना दिया है इन्होंने, आप गौर कीजिए, ये ब्लैक कलर का जो बटन है ये गूगल असिस्टेंट का बटन है। इसको दबा के आप कुछ भी बोलेंगे आपका टीवी जो है उस चीज़ को सुनेगा और आपको उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इन्होंने ये गूगल क्रोम कास्ट 4 भी बनाया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा छोटा सा कैमरा यहाँ पे बना हुआ है गूगल का। ये जो कैमरा है गूगल का, इसका जो फीड है वो आप अपने टीवी पे देख सकते हैं। आप अपने टीवी को दबा के बोलेंगे कि मुझे कैमरा दिखाओ, गेट पे जो लगा हुआ है कैमरा वो दिखाओ, मुझे किचन में जो कैमरा लगा हुआ है वो दिखाओ, वो आपको दिखाएगा, टीवी की स्क्रीन पे दिखाएगा आपको। अच्छा, और थर्मोस्टेट आप देखें यहाँ पे लगा हुआ है। थर्मोस्टेट क्या होता है कि आपके स्मार्ट तो आप सिंपल आप गूगल से या तो फ़ोन से या तो टीवी से आप किसी से बोलें वो आपको कम कर देगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अमेज़ॉन की डिवाइसेस पड़ी हुई हैं जिनसे आप बोल के बात कर सकते हैं, जिसका नाम अलेक्सा है। आप कहेंगे अलेक्सा और आप फिर जो भी उससे पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर नंबर 3 पे है एप्पल। एप्पल की जो डिवाइस है वो होम पॉड के नाम से अवेलेबल है, और एप्पल का जो असिस्टेंट है उसका सीरी नाम है। ठीक है, तो आप जैसे मैं अभी बात कर रहा था तो ये मैं असल में सीरी से बात कर रहा था, तो इसमें मैं क्या कहता हूँ, हे सीरी, और मैं शुरू हो जाता हूँ, जो भी मुझे बात पूछनी होती है वो मैं उससे पूछता हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात सही हो गई कि ठीक है जी, ये डिवाइसें आप इनसे बोल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें हमारा क्या रोल है? अभी तक तो ऐसी तो कोई बात अभी तक डिस्कस ही नहीं हुई कि जिसमें हमारा कोई रोल हो, तो हम क्या करें भाई, ये तो बना रहे हैं सीरी के अंदर, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी वो जवाब दे रही है उसमें हम क्या करें? नहीं, ये गलत है ऐसा। इसका जवाब ये है कि गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, जो अमेज़ॉन का अलेक्सा
सारे डिवाइसेज हैं, ये जितनी भी डिवाइसेज आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं ये ऊपर वाली गूगल और अमेजोन की। अभी एप्पल ने ये चीज़ अलाउ नहीं किया आपको कि आप इन डिवाइसेज के लिए अपनी एप्लीकेशन बना सकें, ये अभी एप्पल वालों ने अलाउ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी करेंगे। जैसा कि आप इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें एप्पल का, तो वो बहुत सारी चीज़ें बहुत देर से लॉन्च करते हैं, लेकिन वो असल मकसद उनका यही होता है कि वो पहले परफेक्ट उसको चीज़ को कर लें। परफेक्शन जब तक उनकी नहीं होती वो उसको रोक के रखते हैं। जैसे एयर टैग रिसेंटली उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एयर टैग्स के नाम से, तो एयर टैग क्या होता है कि आप किसी भी बैग में डाल दें वो ट्रैकिंग होती रहती है, आप कहीं बैग भूल जाएं तो आपको पता चलता है। तो वो 2 साल तक उन्होंने बना के अपने घर पर रखी हुई थी एप्पल वालों ने, उसको लॉन्च ही नहीं कर रहे थे। वो इस वजह से नहीं कर रहे थे कि उनको प्राइवेसी कंसर्न्स थे, उनको पता था हमने अगर लॉन्च कर दी लोग बातें बनाएंगे कि यार ये तो डिवाइस है, ये तो मैं किसी के भी बैग में डाल दूँ और उसको ट्रैक करता रहूँ पीछे से बैठ के। तो उन्होंने 2 साल लगा के, उनको 2 साल लगे इस चीज़ में, वो सारे मसलों को हल किया उन्होंने, और सारे मसलों को हल करने के बाद फिर अल्टीमेटली उस डिवाइस को उन्होंने मार्केट में छोड़ा, मार्केट में लॉन्च किया। अच्छा, तो इस एप्पल इसको अभी अलाउ नहीं किया इन्होंने कि सीरी पे आप अपनी कोई एप्लीकेशन बना सकें। हाँ, लेकिन गूगल असिस्टेंट और अमेज़ॉन अलेक्सा जो है, इन दोनों ने ये बात अलाउ कर दी है कि आप क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कस्टम ऐप्स बना सकते हैं आप। कस्टम ऐप्स कैसे बनेंगी कि आपने कहा हे गूगल टॉक टू माय टेस्ट ऐप, या माय जो भी आपकी ऐप का नाम है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ हे गूगल टॉक टू बीबीसी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़ की एक ऐप ऑलरेडी गूगल असिस्टेंट पे मौजूद है। अच्छा, और कौन कौन सी ऐप्स मौजूद हैं वो अगर आप देखना चाहें तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जाएंगे एक्शंस ऑन गूगल स्टोर पे। आपने कहा एक्शंस ऑन गूगल, यहाँ पे आप जाके वो सारी ऐप्स इनकी देख सकते हैं। ये आई थिंक इन्होंने कुछ चेंज वेंज किया, मैं सिंपली गूगल असिस्टेंट लिखता हूँ क्योंकि ये मैं चूँकि बार बार खोलता रहता हूँ डेवलपर कंसोल, तो ये मुझे डेवलपर कंसोल पे ही लेके जा रहा है। मैंने लिखा गूगल असिस्टेंट जस्ट और मैंने इसको ओपन किया। अच्छा, एक्सप्लोर ऑल एक्शंस, ये काफ़ी छुपा के इन्होंने बटन दिया है पता नहीं क्यों, एक्सप्लोर ऑल एक्शंस। तो ये इनका स्टोर है, इस स्टोर का नाम क्या है, assistant.google.com/explore, ये इसका URL है। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐप मौजूद है, नेटफ्लिक्स की ऐप है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ न्यूज़, तो न्यूज़ की बहुत सारी ऐप्स इसमें मौजूद हैं, जिससे आप बात करके उससे न्यूज़ पूछ सकते हैं। आप इमेजिन करें गूगल न्यूज़ से आप बात करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है मुझे बताओ, ठीक है, आप पाकिस्तान में क्या न्यूज़ है, इंडिया में क्या न्यूज़ है, अमेरिका में क्या न्यूज़ है, आप इससे बोल के बात कर सकते हैं। तो ये वो बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं, इनको आप यहाँ पर जाएं स्टोर पे, और अगर आपके पास गूगल असिस्टेंट की डिवाइस मौजूद है या आपके पास ऐसा स्मार्टफोन मौजूद है जिसका होम बटन प्रेस करके रखने से गूगल असिस्टेंट निकलता है, तो आप ये सारी ऐप्स ट्राई करें। ये सारी ऐप ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, और इसी तरह की ऐप अच्छा गूगल असिस्टेंट की ये बात हो गई, इसी तरह अलेक्सा का भी स्टोर है, जो अमेज़ॉन पे जब आप जाते हैं कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पे अब बुक्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो वहाँ पे अलेक्सा स्किल भी एक कैटेगरी आ रही होती है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ US में शो हो रहा होता है, तो आप अपना रीजन प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा अगर कोई भी सर्च कर रहा है तो अमेज़ॉन पे आप जाएंगे, आप सर्च के कंसोल पे आप कहेंगे अलेक्सा की स्किल मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, और आप लिखेंगे और वो आपको जितनी भी अवेलेबल स्किल है जो नाम आपने लिखा है उससे वो आ जाएगा। हज़ारों की तादाद में स्किल्स मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ये डिवाइसेस बाय कर चुके हैं। अच्छा, एप्पल जो है उसने अभी तक ऐसा कोई तरीका लॉन्च नहीं किया जिसके ज़रिए आप चैटबॉट बना के उस पर लॉन्च कर सकें, लेकिन बहुत जल्दी ये करने वाला है। अच्छा, हम कुछ मार्केट के स्टैट्स देख लेते हैं कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन
की क्या सूरत हाल है। सीरी सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे मेजर प्लेयर है जो अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ है, अभी तक उसने अलाउ नहीं किया चैटबॉट बनाना, वो 2018 में उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि 2.2 बिलियन आईफोन्स वो सेल कर चुके हैं बाई 2018। और अभी जो आईफोन 12 लॉन्च हुआ है इनका कुछ अरसे पहले, अब तो 13 भी बाय द वे लॉन्च हो गया, वो 100 मिलियन आईफोन 12 भी बेच चुके हैं। तो ये आप फिगर देख लें कितना बड़ा फिगर है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की आबादी टोटल 7 बिलियन है और 2.2 बिलियन के पास आईफोन मौजूद है, वो इतने आईफोन बेच चुके हैं। अच्छा, किस में? 2018 तक बेच चुके हैं। तो आईफोन ने 2010 में सीरी रिलीज़ किया था आईफोन्स के ऊपर। अच्छा, 2010 में जो आई थिंक आईफोन 5S इनका था जो सबसे लेटेस्ट वर्जन था 2010 में, और अब 8 आईफोन 10 और फिर आईफोन 11 और फिर 12 और काफ़ी सारे आईफोन आ चुके हैं। और जितने भी ये डिवाइसेज हैं, आप अगर इससे पहले वाले इसमें चेक करें तो ये जितनी भी आईफोन की डिवाइसेज हैं, यहाँ तक कि एप्पल वॉच जो है उसके अंदर भी सीरी बिल्टन ये डाल कर देते हैं। तो लेकिन बट इन्होंने अभी तक ये अलाउ नहीं किया कि आप अपने चैटबॉट उस पर बना सकें। तो बट इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे ही ये लॉन्च करेंगे फॉर श्योर जो है ये पूरी मार्केट को अपने कैप्चर कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2014 में अमेज़ॉन ने अलेक्सा के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और अलेक्सा की एको डॉट के नाम से डिवाइसेस बनाई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटी छोटी जो डिवाइस हैं ग्रे कलर और ब्लैक कलर की, और ये बड़ी और छोटी, ये सारी अमेज़ॉन की अलेक्सा डिवाइसेस हैं। एक एको डॉट है, एक एको है, अलग अलग इसके नाम है। एको शो है ये जो स्क्रीन वाला, एको शो इसका नाम रखा है इन्होंने। तो ये डिवाइस पहली दफ़ा 2014 में इन्होंने लॉन्च की और 100 मिलियन प्लस डिवाइस ये 2019 तक सेल कर चुके थे, जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स ने जो है रिपोर्ट किया। ये आप गूगल करेंगे तो ये फिगर्स आपको भी सेम इसी तरह मिल जाएंगे। अच्छा, 2016 में गूगल असिस्टेंट के नाम से गूगल ने एक AI असिस्टेंट लॉन्च किया और 52 मिलियन डिवाइसेस इन्होंने गूगल असिस्टेंट की सेल कर दी 2018 तक। अच्छा, 2018 तक जो 50 मिलियन डिवाइस सेल की है वो ये वाली डिवाइसेस हैं, जो एको, जो गूगल असिस्टेंट मिनी और मैक्स और इन डिवाइसेस की बात हो रही है। अभी हम उन डिवाइसेस की बात नहीं कर रहे जो गूगल के मोबाइल फ़ोन्स हैं। अच्छा, गूगल के मोबाइल फ़ोन भी 2.5 बिलियन वो सेल कर चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि चूंकि एंड्रॉयड का जो OS है वो फ्री है, तो चाहे सैमसंग फ़ोन बना रहा हो, चाहे ओप्पो फ़ोन बना रहा हो, शाओमी के फ़ोन भी आप सारे आप देखें, एंड्रॉयड फ़ोन जितने भी हैं उसमें सब में गूगल असिस्टेंट मौजूद है। तो उसको अभी उसको इसमें से निकाल के उन्होंने 52 मिलियन गूगल असिस्टेंट की डिवाइसें सेल कर दी। अच्छा, फिर 2018 में डायलॉग फ्लो के नाम से एक प्लेटफॉर्म था, उसको जनरली अवेलेबल कर दिया उसका वर्जन 2। अच्छा, ये डायलॉग फ्लो जो प्लेटफॉर्म है ये हम थ्रू आउट द कोर्स इसको भी लर्न करेंगे, इसी के ज़रिए हम चैटबॉट बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू में इस प्लेटफॉर्म का नाम डायलॉग फ्लो नहीं था, इसका प्लेटफॉर्म का नाम था API.AI और ये कुछ लड़कों ने बनाया था। फिर बाद में थोड़ा अच्छा वो प्रोग्रेस कर गए तो गूगल ने इसको बाय कर लिया। अच्छा, मैं जब से काम कर रहा हूँ, जब ये गूगल के पास नहीं था, जब API.AI के नाम से ये था, अगर आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस चेक करें तो शायद आपको वो मिले भी, मैंने एक दो बना के डाली थी कि भाई API.AI मैं सीख रहा हूँ और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस वक्त API.AI के दौर से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और फिर बाद में जब गूगल ने इसको परचेज किया, उससे एक्वायर कर लिया, तो गूगल ने इसको अपना एक नाम दिया, डायलॉग फ्लो। अच्छा, फिर डायलॉग फ्लो का जब नाम दिया तो वो पहला वर्जन था। जाहिर है जब चीज़ गूगल के हाथ में आई तो बड़ी कंपनीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, तो बड़ी कंपनीज़ ने जब इस पे ऐप्स बनाना शुरू की तो इसमें कुछ फ्लॉज निकल के सामने आए कि इसमें कुछ फ्लॉ है। तो फिर अल्टीमेटली इन्होंने ये 2018 में डायलॉग फ्लो का वर्जन 2 लॉन्च किया, जो कि सोफिस्टिकेटेड किस्म का था काफ़ी, और सारे मसले मसाइल जो थे उसके वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो डायलॉग फ्लो वर्जन 2 पे जितनी भी बड़ी कंपनीज चैटबॉट बनाना चाह रही थी वो सारे लोग डायलॉग फ्लो V2 पे मूव कर गए, और अभी डायलॉग फ्लो V2 सबसे ज़्यादा स्टेबल इनका वर्जन है। और ये मज़ीद आगे भी काम कर रहे हैं, अगले साल ये एक नया वर्जन भी लॉन्च करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इसका।
अच्छा जी, तो ये हमने कुछ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर ली, तो आप ये देखें कि जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, अमेजॉन ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, एप्पल भी ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, और गूगल भी किसी से कम नहीं है। आपको पता है गूगल का कितना बड़ा मार्केट शेयर है टेक्निकल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये तीनों मेजर प्लेयर इसके अंदर बहुत अहम तरीके से शामिल हैं, और मेटावर्स, फेसबुक भी इसके अंदर, आप देखें जैसे मेटावर्स पे इतने कितने पैसे लगा दिए, उसका यहाँ जिक्र नहीं किया मैंने, लेकिन वो भी इसमें बहुत बहुत मेजर स्टेक होल्डर है। अच्छा, अभी जो चैट बॉट्स हैं एग्जिस्टिंग, वो कर क्या रहे हैं? जैसा कि मैंने जिक्र किया, मैंने आपको अलार्म वगैरह सेट करके बताया कि यार इस तरह से अलार्म सेट हो जाता है और ये हो जाता है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ नहीं है, ये तो छोटे छोटे टास्क हैं, कोई बड़ा मेजर काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तो अभी चैट बॉट्स के ज़रिए क्या क्या काम किया जा रहा है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, उससे पहले लेकिन एक बात, चैट बॉट से अभी सारा काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है, अभी इवॉल्व हो रही है। जाहिर सी बात है AI जो है उसको टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने में चीज़ों को, तो AI की अभी ट्रेनिंग स्टिल जारी है, बड़ी कंपनीज जो है वो उसकी ट्रेनिंग कर रही हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में हम जो AI का जो जिक्र है वो AI कौन सी AI की बात हो रही है, वो इस AI की बात हो रही है। हमने शुरू में जिक्र किया था कि मशीन को सिखाना, अगर बोलना सिखाना पड़े हमें, तो हमें 8000 आवर्स की ट्रेनिंग उसकी करनी पड़ेगी, जो कि पहली आइट्रेशन होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो पहली आइट्रेशन के बाद बोलना शुरू कर दे, हो सकता है बीच में हमने कुछ गलत कर दिया हो, तो वो फिर कुछ कुछ और ही हो जाए, फिर 8000 ईयर दोबारा से हमें करनी पड़ेगी, 8000 आवर्स। तो अब हम करें क्या, तो हम खुद तो कंप्यूटर को बोलने के काबिल नहीं बना सकते, ये तो हमें बात पता चल गई, क्योंकि जाहिर है एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, एक इंडिविजुअल के पास इतनी रिसोर्स कभी हो ही नहीं सकती कि वो इतनी लंबी और इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं जिसमें पैसा लग रहा हो। जाहिर है 8000 आवर्स का मतलब है कि कंप्यूटर कोई चलेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फिर कंप्यूटर भी आपका एक कोर टूडू तो नहीं लगा सकते उसके अंदर, आपको बड़े प्रोसेसर लगाने पड़ेंगे, तो एक इंडिविजुअल के पास इतनी रिसोर्सेज हो ही नहीं सकती। तो अब वो क्या करे, वो ये करे कि गूगल ने और अमेजोन ने जो पहले से ये वाला, मैं टाइम भी साथ साथ देखता रहूँ, पूरे एक घंटा हो चुका है मुझे बोलते हुए, तो अब मैं आपके सवालों की तरफ जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। तो गूगल ने इतना टाइम लगा के जो ये टेक्नोलॉजी बना ली है ना, जो AI डेवलप कर ली है, वो डायलॉग फ्लो की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, और अलेक्सा स्किल किट ने भी पूरा एक डैशबोर्ड दिया हुआ है, जो AI एक बनी बनाई AI हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इस तरह की AI को हम कहते हैं AI एज अ सर्विस। अच्छा, AI एज अ सर्विस के फ़ायदे क्या हैं? AI एज अ सर्विस के ये फ़ायदे हैं कि आपका टाइम बच जाता है। अच्छा, जितने सस्ते में आपको गूगल फ्री में दे रहा है, गूगल डायलॉग फ्लो फ्री है शुरू में नहीं, अच्छा खासा फ्री है, वो $600 का क्रेडिट बल्कि आपको देता है कि आप ये $600 कंज्यूम करें इसके ऊपर, और बहुत ही चीप है वो, तो 100 रिक्वेस्ट पर मिनट के कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, उसके बाद भी काफ़ी चीप आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है, और उसमें भी आपको $600 देता है कि यार ये $600 लें आप, और आप इसको चलाएं, इस्तेमाल करें, प्रोडक्शन में करें, डेवलपमेंट में करें, जैसे आपका दिल करता करें, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप पैसे दें, या उसके बाद हमारे पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं कि उसके बाद दूसरा अकाउंट बना लेते हैं गूगल का, और उस पर मूव कर देते हैं सारी चीज़ें, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अवेज अहमद कह रहे हैं कि भाई लेक्चर बहुत अच्छा इनको लग रहा है, तो मैं एक नज़र करता हूँ सिर्फ इस तरफ, फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम ट्रेनिंग द चैट बॉट। अच्छा, अभी हम इन चीज़ों पे आते हैं। तो हम ट्रेनिंग खुद नहीं कर रहे, जो मुजफ्फर हुसैन साहब ने कमेंट में लिखा है, तो हम ट्रेनिंग खुद नहीं कर रहे, हम ट्रेनिंग का जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो गूगल ने और अलेक्सा ने और एप्पल भी थोड़े दिनों में लॉन्च कर देगा, तो इनके पहले से ट्रेन किए हुए मॉडल को हम जस्ट इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करके हम ऐसी एप्लीकेशंस बनाएंगे जो उसको एंड यूज़र इस्तेमाल कर सके। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी ऐप बना दें जो किसी रेस्टोरेंट में लगाई जाए और रेस्टोरेंट में उससे बंदा ऑर्डर कर सके, तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जो आप बना सकते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग किए, कैसे, डायलॉग फ्लो के ज़रिए। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अभी राइट नाउ ऐसे कौन से चैट बॉट्स हैं, ऐसी कौन सी वॉइस एप्लीकेशंस हैं, या ऐसे कौन से गूगल असिस्टेंट की ऐप्स हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहले बिजनेसेस आर गेटिंग रिड ऑफ ह्यूमन फैक्टर थ्रू ऑटोमेशन। आप थोड़े दिन पहले टेस्ला की कंपनी में गया था,
वो चाइनीज़ कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो जब आप प्लीज़ कमेंट में बताएं उसका नाम क्या है किसी को अगर पता है तो। अच्छा तो वो जब गया थोड़ी सी एनर्जी भी चाहिए थक गया बोलते बोलते वो जब गया टेस्ला की फैक्ट्री में, तो टेस्ला की फैक्ट्री में जहां पे वो बैठा हुआ था, आपने अगर वो प्रोग्राम देखा उनका तो पीछे कोई ह्यूमन नहीं था, उसके पीछे सारे रोबोट्स काम कर रहे थे। उसको एलॉन मस्क लेके अंदर दाखिल हुआ, कोई बंदा नजर नहीं आ रहा कहीं पे। तो इस वक्त जो कंपनीज हैं वो सबसे ज्यादा उनकी कोशिश ये है कि वो ह्यूमन फैक्टर को कम से कम कर सकें। एलॉन मस्क नहीं, एलॉन मस्क की तो कंपनी में गया था वो, कोई चाइनीज है उसका मैं, जैकमा, जैकमा जो है उसने विजिट किया था एलॉन मस्क की फैक्ट्री को, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे कोई बंदा बंदा नहीं था। तो आजकल की जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस ऑनर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि ह्यूमन फैक्टर को वो रिमूव करें जल्दी से जल्दी, जैसे भी हो सके उनसे। तो हुआ क्या कि उसने सारे बंदे हटा के उसकी जगह पे रोबोट्स लगा दिए जो वेल्डिंग करते हैं, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो देखते हैं कहाँ पे वेल्डिंग करना है, क्या करना है, वो सब खुद ही संभालते हैं। अच्छा तो कॉल सेंटर्स, इस वक्त बहुत सारा जो कॉल सेंटर का लोड है वो AI पे और चैटबॉट्स पे जा चुका है। आप जितनी भी वेबसाइट इस वक्त हैं मशहूर वेबसाइट, आप जब उन पे जाके कस्टमर सपोर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले एक चैटबॉट आता है, वो आपका मसला हल करने की कोशिश करता है, जिसमें सरे फहरिस्त है अपवर्क। अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, आप जाएं, आप बात करने की कोशिश करें, पहले चैटबॉट आपसे मुखातिब होगा कि यार पहले मुझे बताएं आप क्या मसला है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा, जाहिर है AI में क्योंकि जो ट्रेनिंग की है आपने वही उसको पता है, उसके अलावा पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो ट्रेनिंग भी चल रही है, सारे क्वेश्चन उसमें फीड किए जा रहे हैं जो लोग पूछते हैं, तो वो सबका जवाब देने के काबिल हो जाएगा कुछ अरसे में। इसी तरह आप फ़ोन करें अगर PayPal के कस्टमर सर्विस में, तो आपको उसके अंदर ना बटन प्रेस नहीं करना होता, उसके अंदर एक्चुअल में एक चैटबॉट आपसे बात कर रहा होता है, और वो क्या करता है आपसे पूछता है कि यार मुझे मसला बताएं। आपने कहा मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया, मुझे ब्लॉक करना है, अंग्रेज़ी में बात हो रही होती है क्योंकि वो अंग्रेज़ी समझता है वो, तो आपने कहा आई हैव लॉस्ट माई क्रेडिट कार्ड, आई वॉन्ट टू ब्लॉक दिस, तो वो आपको फ़ौरन उस मेन्यू पर लेके चला जाएगा। या आपने कहा कि यार मुझे जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी उसके अंदर मेन्यूज अवेलेबल हैं, तो वो सारे मेन्यू बोल बोल के बताती हैं आपको खातून सामने से, और फिर उसमें से कोई भी बात आप बोल के बताते हैं। तो ये एक बिज़नेस के अंदर इसका बड़ा अहम रोल होता जा रहा है, क्योंकि लोग बिज़नेस में ह्यूमन फैक्टर्स को कम से कम करना चाह रहे हैं। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, चीज़ें हमारे पास होती हैं, तो हमारा बड़ा सा स्टोर है, काफ़ी सारे आयल्स हैं उसके अंदर, कोई 20-25 आयल्स हैं उनके पास। तो उन्होंने कहा हमें एक बंदा खड़ा करना पड़ता है जो सब लोगों को ये बताए कि यार 20 नंबर का पाना कहाँ पड़ा हुआ है, या फना स्क्रू ड्राइवर कहाँ पड़ा हुआ है, ये हमें बताना पड़ता है, लोगों को खड़ा करके उससे ये बताना पड़ता है। तो उन्होंने एक चैटबॉट बनवा लिया जो उनके मोबाइल ऐप के अंदर मौजूद है, और जब भी कस्टमर अंदर आता है अब वो उससे कहता है कि वेयर इज़ जो भी 20 नंबर का पाना, या उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई, उनकी अलग वोकैबलरी है पूरी, तो वो उसको लोकेट कर सकता है, वो मोबाइल ऐप के अंदर भी लोकेट कर सकता है, और वो बोल के पूछ भी सकता है, आपको ऐप रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये एक क्लाइंट मेरे पास आया था, उसके पास ये बना हुआ चैटबॉट था, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करवानी थी, जो जाहिर है वो इम्पॉसिबल से कोई बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि सर अभी की टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर है हर चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखें वो हार्डवेयर का स्टोर वाला, उसने कहा मैंने 6 बंदे रखे हुए थे जो अलग अलग आइल में खड़े हुए होते थे, मैंने 6 के 6 रिमूव कर दिए, और 6 बंदे रिमूव करके एक बंदा एक्स्ट्रा रखा है CCTV मॉनिटरिंग के लिए। वो 6 आइल में CCTV लगी हुई है कि कोई कुछ चीज़ तोड़े नहीं, वैसे तो हार्डवेयर में टूट फूट वाली कोई चीज़ होती नहीं है, वो सारे लोहा लाट होता है बिल्कुल। तो उसने कहा एक CCTV वाला बंदा मैंने एडिशनल रख लिया है, पहले 2 थे अब 3 हो गए, तो वो सारे आइल को मॉनिटर कर रहे होते हैं वो। अच्छा तो आपने देखा बिजनेस में ये काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। हेल्थ सेक्टर जो है हमारा, हेल्थ सेक्टर जो है उसके अंदर मैंने
कि एक ऐप मैंने बनाई थी जो डॉक्टर और पेशेंट के प्रोसेस को ऑटोमेट करता था। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास एक कंप्यूटर होता है, अब हमारे यहाँ भी होता है, पाकिस्तान में डॉक्टर के पास एक टैबलेट या कंप्यूटर मौजूद होता है। जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो इवन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब वगैरह भी इसी में कर रहा होता है। आप डॉक्टर की जब रूम में दाखिल होने वाले होते हैं तो रूम में दाखिल होने से पहले आपका गेट पर ही ना ब्लड प्रेशर वगैरह टेम्परेचर ये चीज़ें वो नोट कर लेते हैं। और आप जब डॉक्टर के सामने जाके बैठते हैं तो डॉक्टर के पास वो रीडिंग्स आ रही होती हैं टैबलेट के ऊपर। तो क्या होता है कि उस ऐप के अंदर, जो मेरी पहली ऐप मैंने बनाई थी, उसके अंदर क्या होता है कि आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आप कहते हैं भाई ये मसला हो गया मेरे साथ, आप देखें क्या हुआ है। तो उसने आपका मसला देखा, आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाह रहा है, तो वो अपने सिस्टम पे प्रिस्क्राइब करता है। आपके पास भी वही ऐप मौजूद है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये प्रिस्क्रिप्शन कहीं लूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि US में आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं देते मेडिकल स्टोर वाले, वो कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए पहले आप। तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई ऑनलाइन, अब वो कहीं गुम नहीं कर सकते आप। अच्छा, फिर प्रिस्क्रिप्शन में आपने दवा तो दी है, साथ में कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको एक्सरसाइज भी देनी पड़ती है कि भाई एक्सरसाइज आपने किया या नहीं किया। अब जब भी पेशेंट मेडिसिन लेगा तो वो उसको बोलेगा कि, अब मैं उस चैटबॉट का नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल साइन करना पड़ता है, तो मैं नाम नहीं ले सकता उसके, लेकिन ये फंक्शनैलिटी ज़ाहिर है, ये चीज़ें उन्होंने मार्केट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन्होंने अपनी मार्केटिंग में भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, कोई ऐसी मैं कॉन्फिडेंशियल चीज़ आपको नहीं बता रहा। तो वो चैटबॉट से बोलेगा कि भाई मैंने मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं मेडिसिन अंग्रेज़ी में क्योंकि चैटबॉट है, मैं इस वक्त अंग्रेज़ी का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं दो लैंग्वेज ना एक साथ मुझे बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक वक्त में या तो पूरी उर्दू बोल सकता हूँ या तो पूरी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो अगर मुझे दोनों से बात करना पड़े ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इसके अंदर। तो अभी मैं उर्दू के मोड में चल रहा हूँ, तो इंग्लिश मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। अच्छा, तो उसको बोला कि यार मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, वो आपसे पूछेगा भाई कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं आप, आपकी प्रिस्क्रिप्शन में एस्पिरिन मौजूद है, पैनाडॉल मौजूद है। उसने कहा भाई मैं एस्पिरिन ले रहा हूँ, मैं दो एस्पिरिन ले रहा हूँ मैं। तो उसने वो लॉक कर लिया, पीछे उसने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि आपके पास कितनी एस्पिरिन बाकी रह गई है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में मौजूद था कि 10 आपको मिलेगी। वो पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। फिर अगर आपने मेडिसिन अपना नहीं लिया तो डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन भी जाती है कि भाई ये बंदा आपका पेशेंट है, इसने मेडिसिन नहीं ली। फिर एक्सरसाइज जब करेगा बंदा तो वो कहेगा भाई मैं आई एम अबाउट टू रन, मैं दौड़ने लगा हूँ। तो उसने कहा 15 मिनट दौड़ना है आपने, आपके डॉक्टर ने कहा 15 मिनट दौड़ोगे आप, तो 15 मिनट आप दौड़े और फिर आपने कहा कि भाई 15 मिनट दौड़ दिया मैं। या आप जब भी अगली कोई चीज़ करने लगेंगे, आपने कहा भाई मेडिसिन ले रहा हूँ या कुछ भी, तो वो पूछेगा आपसे कि भाई कल आपने दौड़ना दौड़ा था आपने कल, तो आप कहेंगे हाँ दौड़ा था मैं, तो वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेगा। और अगर आपने कोई एक्सरसाइज मिस की, कोई भी मेडिसिन मिक्स की आपने, तो आपके डॉक्टर को नोटिफिकेशन जाएगी कि यार इन्होंने ये मिस कर दिया है, फिर डॉक्टर आपका फ़ोन करे आपको या जो भी जिस तरीके से भी करें। अच्छा, तो ये हेल्थ में इस तरह से जो है ना वो हो रहा है। अच्छा, बाय द वे लोग अभी इस तरह की भी मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही ऑटोमेट हो जाए, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई अब मुझे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो वो दो चार सिम्टम्स पूछे। अभी कोरोना के दौरान ये चीज़ें बड़ी वो हो गई थी कि वो आपको वैसे ही प्रिस्क्रिप्शन दे दे छोटी मोटी चीज़ों की, ज़्यादा मेजर की तो ज़ाहिर नहीं दे सकता वो। जैसे NHS करके एक वेबसाइट है, उसमें भी आप सेल्फ डायग्नोस्टिक सारा कर सकते हैं, आप अपने आप को जज वो कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि मुझे ये क्या हुआ है, कि पेट में दर्द हो रहा है, तो आप नेक्स्ट पूछेगा कि आप सर में भी दर्द हो रहा है, हलक में भी, सोर थ्रोट भी हुआ है आपको, तो वो सारी चीज़ें पूछ के आपको एक कॉन्क्लूजन पर लेके जाता है कि आपको ये हुआ। तो उसके चैटबॉट बहुत लोग बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये भी हेल्थ के अंदर। एजुकेशन के अंदर बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिससे बच्चे ऑलरेडी लर्निंग कर रहे हैं। मेरे पास एक बिलाल के नाम से मैंने एक ऐप बनाई है, जो आप प्ले स्टोर पर जाके उसको आपको देख भी सकते हैं प्ले स्टोर पर जाके। तो उसमें क्या होता है कि एक मोबाइल ऐप है, उसमें आप प्रेस करते हैं माइक, और आप माइक प्रेस करके बोलते हैं कि यार आप सूरह फातिहा पढ़ें 3 दफ़ा, तो वो आपको सूरह फातिहा 3 दफ़ा पढ़ के बताते हैं। अच्छा, वो क्या है, बच्चों के लिए बनाया गया है कि बच्चों को मेमोराइज़ करने में आसानी हो, और बच्चों को मुख्तलिफ, जैसे वो खाना खाना बैठा है बच्चा, तो खाना खाते हुए वो उसको प्रेस करे और कहे भाई मैं खाना खाने लगा हूँ, तो वो सामने से उसको दुआ पढ़ के बताएं कि खाना खाने से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, तो वो ताकि उसको आदत बने उसकी। तो एक बच्चों के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है वो, उसमें मुख्तलिफ किस्म की, फिर नमाज़ पढ़ते हुए कि भाई मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो उसको बताया कि भाई अभी ईशा का वक्त है, ईशा में इतनी रिकतें होती हैं और ये दुआएँ होती हैं, ताकि वो उसको जल्दी से पता चल जाए। बच्चों को ये बड़ा मसला होता है, बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा वो नमाज़ पढ़ने से पहले ना जाके पूछते हैं कि अम्मी अभी कितनी रिकत पढ़नी है इस वाले नमाज में, तो अम्मी उसको बताती है, तो वो अम्मी का काम कर रही है वो ऐप, बिलाल के नाम से अवेलेबल है प्ले स्टोर पर वो। तो उसका जो फ्रंट एंड है वो तो ज़ाहिर है किसी और ने बनाया था, लेकिन जो एक्चुअल चैटबॉट वाला पार्ट है वो मेरे हाथ का बना हुआ है। अच्छा जी, इंटरटेनमेंट एंड यूटिलिटी।
एंटरटेनमेंट की जब बात आती है तो ये तो इन्होंने बनाया ही एंटरटेनमेंट के लिए था बाय, क्योंकि जाहिर है जब कंप्यूटर आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है तो वो सडनली भी दाखिल होता है और ग्रेजुअली भी होता है। तो ग्रेजुअली तो ये काफ़ी अरसे से म्यूज़िक चला दो या कोई गाना प्ले कर दो या इस तरह की चीज़ें तो गूगल असिस्टेंट शुरू से ही कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। तो इन्होंने यही फैक्टर सेलिंग पॉइंट बना के ग्रेजुअली हमारी ज़िंदगियों में इसको दाखिल करने की कोशिश की। आप यू कुछ भी कहेंगे गूगल असिस्टेंट से कि यूट्यूब पे, जैसे मैंने कहा कि अगर एक्सरसाइज ना की हो तो सिर्फ चैटबॉट से कह दिया हो क्या पकड़ सकता है चैटबॉट, ऐसी इंटेलिजेंस है उसके पास। नहीं जाहिर है वो प्रिस्क्रिप्शन में अगर चीज़ मौजूद नहीं है तो आपको मना कर देगा कि नहीं यार ये तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है, आप भाग दौड़ ना करें, आप शुगर के पेशेंट हैं। तो ये बिल्कुल चीज़ उसमें है, मौजूद थी उसमें ये चीज़ कि अगर आपको कोई चीज़ प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है ना तो आप वो उसको नहीं पकड़ेगा, नहीं समझेगा उसको वो। तो हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, बोलिए मैं क्या कह रहा था। हाँ तो इन्होंने शुरू दे, आप YouTube पे कुछ भी प्ले करवाना है आपको, आप गूगल असिस्टेंट प्रेस करें, आप कहें प्ले आतिफ असलम ऑन YouTube, वो फौरन से प्ले कर देगा। तो एंटरटेनमेंट में तो इनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो है। अच्छा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके, ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है। जो एक चैट बॉट है डायलॉग फ्लो में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, वो इंटेंट है, जो हम जिसको जाहिर है बाकायदा इस कोर्स में हम डिटेल में उसको लर्निंग करेंगे, डिटेल में इस चीज़ को समझेंगे हम, लेकिन उसके बारे में एक ये छोटी सी बात है यहाँ पे जो आपको समझना भी ज़रूरी है। इंटेंट कैटेगराइज अ एंड यूज़र इंटेंशन फॉर वन कन्वर्जेशन टर्न। मिसाल के तौर पे आपने अगर कहा कि यार हे गूगल सेट रिमाइंडर, तो अब इसमें एक इंटेंशन है आपकी कि रिमाइंडर सेट करना है, अलार्म सेट नहीं करना है, अलार्म सेट करने की इंटेंशन अलग होगी। अब रिमाइंडर के अंदर उसको क्या चीज़ चाहिए कि क्या रिमाइंडर का टेक्स्ट क्या हो, रिमाइंडर का टॉपिक क्या हो, वो पूछेगा आपसे। अच्छा, तो ये इंटेंशन मेरी पता चल गई कि सेट रिमाइंडर एक इंटेंशन है, इसका इंटेंट है। तो आप इसी तरह इंटेंट बनाते हैं बहुत सारे, और हर इंटेंट के अंदर आप कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई बात पूछी आपने चैटबॉट से तो वो कहेगा भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कोई दूसरी चीज़ ट्राई करें, जो है मौजूद उसकी कोई सजेशन दे देगा आपको कि ये आप ट्राई करें। तो ये इंटेंट, ये चीज़ होती है इसके अंदर। अच्छा, फिर एंटिटीज़, एंटिटीज़ क्या होती हैं कि आपने जब कहा कि हे गूगल सेट रिमाइंडर, तो वो उसके अंदर उस इंटेंशन में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एंटिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे रिमाइंडर सेट करने में रिमाइंडर का टॉपिक चाहिए, ठीक है, और कब वो रिमाइंड आपको करवाए ये बात चाहिए कि भाई कल बता दो मुझे, कल रिमाइंड करवा दो, शाम को रिमाइंड करवा दो, ये बात चाहिए, और क्या रिमाइंड करवाना है ये बात चाहिए। अच्छा, या मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा हे गूगल मेक अ कॉल, तो ये एक इंटेंशन है कि भाई कॉल मिला दो, गूगल असिस्टेंट ये काम कर सकता है कि आपके फ़ोन पे कॉल मिला दे, लेकिन उसके लिए उसको एक एंटिटी की ज़रूरत है कि किसको कॉल मिलाया जाए। आपने कहा कॉल माई मॉम, तो आपकी मॉम के नाम से अगर कोई नंबर सेव होगा तो उस पर कॉल मिला देगा वो, या किसी बंदे का नाम लें आप, आपने कहा कि भाई आसिफ भाई को कॉल मिला दें आप, ठीक है, कॉल आसिफ भाई, तो ये आसिफ भाई उसकी एंटिटी है, ठीक है जी। अच्छा, थर्ड फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट क्या चीज़ होती है कि ये जब दो चीज़ें पता चल गई ना गूगल असिस्टेंट को, तो ये एक रिक्वेस्ट बनाएगा और उसको एक सर्वर पे भेजेगा, और सर्वर के ऊपर आप अपनी मर्जी का, ये तो मैं जैसे बात कर रहा था ना बिल्टन वाली, लेकिन ये मैं अभी अपनी ऐप का बात, अपनी ऐप की बात कर रहा हूँ कि मैंने मिसाल के तौर पर ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, ये एक इंटेंट हो गया, मैं कंप्लेन भी कर सकता था, ऑर्डर अ पिज़्ज़ा कहा मैंने, ऑर्डर अ पिज़्ज़ा के अंदर क्या क्या एंटिटी चाहिए, भाई साइज़ क्या हो उसका, फ्लेवर क्या हो उसका, ठीक है, कितने पिज़्ज़ा चाहिए आपको, ये तीन एंटिटी उसने पकड़ी, ये तीनों एंटिटी जब मिल जाएगी उसको एक सर्वर पे भेजेगा, उस सर्वर को हम कहते हैं फुलफिलमेंट, और उस सर्वर के ऊपर मैं जो काम एक मोबाइल ऐप के जरिए हो सकता है सेम सारे काम उस सर्वर के ऊपर हो सकता है। तो मैंने वहाँ पे डेटाबेस में एंट्री कर दी मेरे सर्वर पे कि भाई फलां यूज़र ने ये तीन पिज़्ज़ा मंगवाए हैं लार्ज और चिकन फजीता फ्लेवर में, तो वो एंट्री हो जाएगी वहाँ पर। अच्छा, तो जो भी किचन में बैठा हुआ होगा कंप्यूटर के सामने, उसके सामने वो अपेयर भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम इस कोर्स में पूरी डिटेल के साथ हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। अच्छा, और मेरा ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ रहा है, अभी आपके क्वेश्चंस की तरफ आने लगा हूँ मैं, तो लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स में अगर आपको इनरॉल होना है तो आप फेसबुक का जो पेज है जिस पे आप ये लाइव वीडियो देख रहे हैं और उसका यहाँ पे लिंक भी सामने आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप नंबर का क्यूआर कोड भी आ रहा है और मेरा लिंक्डइन भी आ रहा है, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, और मेरे फेसबुक के पेज पर आपको कोर्स आउटलाइन
भी मिल जाएगी जो इस कोर्स का आउटलाइन है। अच्छा, आज ये पहली क्लास थी जो सब लोगों के लिए फ्री रखी गई थी ओरिएंटेशन क्लास के नाम से। उसके बाद जो 2 दिसंबर को जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, हम 3 दिनों में क्लासेस कर रहे हैं और क्लास की टाइमिंग है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8 से 10 बजे तक। तो ये टाइमिंग है हमारी क्लास की। तो आप इन टाइमिंग्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है वो कोर्स आउटलाइन के डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ है। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो इजी पैसा के ज़रिए फीस ट्रांसफ़र करें और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो उस कोर्स आउटलाइन में मेंशन किया गया है, उस ग्रुप में आप शेयर कर दें। तो आप इस तरह से इनरोल हो जाएंगे और फिर मज़ीद इंस्ट्रक्शन आपको ग्रुप में फिर प्रोवाइड कर दी जाएगी एडमिन्स की जानिब से। अच्छा, तो अब हम जो है लोगों के सवालात लेना शुरू करते हैं। तो काइंडली जो है अपने आप और यहाँ पे से मैं सवालात आपके पढ़ना शुरू करता हूँ। वी कैन बिल्ड अ चैट बॉट दैट कैन इवॉल्व इट्स नॉलेज इट्सेल्फ। अच्छा देखें जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। ये इवॉल्व वगैरह ना खुद से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी के जहन में ये चीज़ है ना कि चैट बॉट खुद से कुछ सीखना शुरू कर देगा, बेवकूफ़ी की बात है। आप सेल्फ ड्राइविंग कार की आप अगर बात लें तो सेल्फ ड्राइविंग कार खुद से ड्राइव कर रही है अपने आप को, उसकी एक AI फिक्स है, मौजूद है वो। अच्छा, अब जब वो ड्राइव करता है ना बंदा कार को, बंदा बैठ गया कार में जा रहा है, उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं जो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, चारों साइड देखते रहते हैं, कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो भी नोट कर लेते हैं। लेकिन वो नोट AI ट्रेनिंग नहीं हो रही दोबारा से उसकी, वो डेटा बेस में नोट हो रहा है। फिर उसके लिए बंदे बैठे हुए होते हैं, जो गूगल ने, जाहिर है गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, गूगल ने बंदे बैठाए हैं। तो वो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं पूरे को और फिर उस AI के मॉडल को दोबारा से ट्रेन करते हैं। तो ये सब मैन्युअली हो रहा होता है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। और फिर ये होता है कि 15 मिनट के बाद आपके पास, सॉरी 15 मिनट कह रहा हूँ, हर 15 दिन के बाद एक आपके पास अपडेट आती है। जिन लोगों के पास टेस्ला की कार है या जिन लोगों के पास नहीं भी है, वो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से अपडेटें देते हैं। तो टेस्ला की अगर आपके पास कार है तो आपको हर 15 दिन पर ना अपडेट आती है। वो अपडेट कैसे आती है, टेस्ला के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, जब चलती है तो वो सेंसर डेटा नोट करता है, लेकिन वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं अपने आप को कर रहा होता, वो डेटा जमा हो रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि वो टेस्ला के लोग हैं बैठे हुए, जो क्या करते हैं उस डेटा को एनालाइज करते हैं और हर 15-20 दिन के ऊपर एक नया आपको ना अपडेट इशू कर देते हैं। और वो आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी कार फिर स्टार्ट नहीं होती। मतलब 2-3 अपडेट मिस कर सकते हैं आप, लेकिन 4th अपडेट फिर आप मिस नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब चैटबॉट से आप बात करेंगे तो जो बात चैटबॉट की समझ में नहीं आई है वो क्या होगा, वो पीछे एक लॉग उसका मेंटेन हो रहा था कि अच्छा भाई ये बातें हैं जो चैटबॉट को समझ नहीं आई। तो बाद में आप फिर वो डायलॉग्स भी ऐड कर सकते हैं, उन डायलॉग्स के पीछे भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लगा दें। तो इस तरह ही आप इवॉल्व करते रहते हैं इस चैटबॉट को, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो खुद से ऑटोमेटिकली कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वी कैन इम्प्लांट अ चैट बॉट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जी बिल्कुल, आपका ज़बरदस्त सवाल है। हम इम्प्लांट कर सकते हैं इसको रसबरी पाई डिवाइस के ऊपर, हम खुद ऐसी मशीन बना सकते हैं जो बोले और सुने। लेकिन ये IoT के लेवल पे चली जाती है बात। हम इतना ज़्यादा एडवांस इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं। हम इस कोर्स में जो कोर्स आउटलाइन में बात लिखी हुई है कि डायलॉग फ्लो, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा, हम ये 3 चीज़ें इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। हमारे पास अभी है आधा घंटा, हम काफ़ी सारे सवाल ले सकते हैं, तो मैं इसलिए रिलैक्स होकर जवाब दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिगनर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा बिगनर का मतलब है कि मैनी चैट वगैरह, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना छोटे छोटे, या व्हाट्सएप के अंदर भी इटसेल्फ एक होता है ऑटो रिस्पॉन्डर, कि आपको कोई मैसेज करे ऑटो रिस्पॉन्ड, तो वो एक चैट, लेकिन वो बहुत बिगनिंग है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। या फेसबुक के अंदर भी ऑटो रिस्पॉन्डर है, फेसबुक का अगर पेज आप लोग किसी के पास है तो वहाँ पे जाएंगे ना तो मुख्तलिफ सवालात के अगेंस्ट आप जवाब सेट कर सकते हैं कि अगर वो सवाल किसी ने पूछा ना, मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे पेज पर जाएंगे सलाम लिखेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको वालेकुम असलाम मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा उससे खेल रहा था। बट वो बहुत बिगनिंग है, उसमें कुछ खास इस तरह की चीज नहीं हो सकती। तो हम बहुत बिगनिंग वाली चीजें नहीं देख रहे, हम मिड इंटरमीडिएट लेवल की चीजें देख रहे हैं, और उस लेवल की चीजें देख रहे हैं जो आप फ्रीलांसिंग में काम कर सकते हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे आप जॉब्स पकड़ सकते हैं, हम वो चीज यहां पे सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत ज़्यादा एडवांस हम नहीं सीख रहे कि भाई अपनी खुद की रसबरी पाई की डिवाइस लगा के और IoT में और ऐसे फ्रिज बना दे जो फ्रिज बोलना शुरू कर दे, हम वो चीज़ें
बावजूद इसके कि वो चीज़ें मुझे आती हैं, मैं उस पर थोड़ा बहुत काम भी कर चुका हूँ और उसकी भी मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन इस कोर्स में हम अनफॉर्चुनेटली चूँकि टाइम का कंस्ट्रेन है और बहुत सारे कंस्ट्रेन हैं, इसकी वजह से हम वो चीज़ें कवर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी कोई एडवांस कोर्स लॉन्च किया तो उसमें हम ये चीज़ें मोस्ट प्रॉब्ली कवर करेंगे। अच्छा जी, और डू वी नीड एनी डिवाइस फॉर दिस कोर्स? एक्सपेक्ट लैपटॉप? नहीं है, लैपटॉप बस आपके पास हो तो चलेगा। अगर आपके पास गूगल असिस्टेंट की, अलेक्सा की डिवाइस फिजिकल हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनकी मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं। जैसे अलेक्सा आप सर्च करेंगे ना प्ले स्टोर पर तो अलेक्सा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तानी रीजन आपको चेंज करना होगा, आपको USA करना होगा रीजन। जब आपको आईफोन में भी रीजन बड़े आसानी से चेंज हो जाता है, एंड्रॉयड में आपके पास अगर रीजन चेंज नहीं हो रहा तो आप APK मिरर या इस तरह की कोई साइट है, अमेजोन का एक अपना भी स्टोर है बाय द वे प्ले स्टोर की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जो है वो USA करेंगे जब ही शो होगा, उसके बगैर शो नहीं होगा। तो उस पर आप, मैं बता दूंगा आपको कोर्स में वो कैसे डाउनलोड होगा, तो उससे आप कर सकते हैं। आपको फिजिकल अलेक्सा डिवाइस रिक्वायर्ड नहीं है, हो तो अच्छा है। अच्छा, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू मेक द चैटबॉट? भाई चैटबॉट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम AI एज अ सर्विस बनी बनाए सर्विस यूज़ कर रहे हैं। सर्वर इसमें होगा, सर्वर जावास्क्रिप्ट में होगा, डेटाबेस भी जावास्क्रिप्ट में है, MongoDB के नाम से वो हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हम जो है इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे फेसबुक के पेज पे, कोर्स आउटलाइन मौजूद है वहाँ पे, एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक है, वो लिंक ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे फीस पे करने का इजी पैसा का नंबर मौजूद है, वहाँ पे आप 1000 जो पहले मंथ की फ़ीस है वो आप पे करके आप फौरी तौर पे इनरोल हो सकते हैं, तो आपको एक दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो कि पेड ग्रुप है। अच्छा जी, आफ्टर डूइंग दिस वी विल अवेलेबल। अच्छा, इस कोर्स में इनरोल होने के बाद आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं अपवर्क पे और फाइवर पे, जो अभी इस वक्त जॉब मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें इसकी जॉब्स मौजूद नहीं हैं फिलहाल, लेकिन इंशाल्लाह अब बहुत जल्द जब पाकिस्तान के अंदर इसकी डिमांड आएगी, जब उर्दू लैंग्वेज इसमें सपोर्ट आ जाएगी। अभी इसमें उर्दू लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ अंग्रेज़ी में चैटबॉट बन सकते हैं। जैसे ही उर्दू की सपोर्ट आएगी पाकिस्तानी मार्केट टूट पड़ेगी इस पर, इंडियन मार्केट इस पर टूट पड़ेगी। जो भी उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो पागल हो जाएंगे इसके पीछे, क्योंकि इससे ज़्यादा फैसिनेटिंग कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है कि कंप्यूटर आपसे बात करे। लेकिन जो अभी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं मेरा और जो अभी लोग इसमें इनरोल हो रहे हैं इस कोर्स में, उनके लिए अच्छी बात ये है कि जब इसमें उर्दू की सपोर्ट आएगी तो आप उस टेक्नोलॉजी के लिए पहले से ही रेडी होंगे। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आप पहले से ही बना चुके होंगे, आपको पहले से ही उसका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपको जस्ट एक नई लैंग्वेज आएगी, वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आपको इसके ऊपर जैसा कि आप देखिए ना, जो भी मार्केट में पहले आता है उसको यही बेनिफिट होता है कि वो आगे निकल जाता है। ज़ाहिर है दूसरे लोग बाद में आएंगे, जितनी देर में वो मेहनत करेंगे ये और आगे निकल जाएगा। तो पहले आने वाले का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, फर्स्ट कमर्स जो आप हैं। अच्छा जी, प्लीज़ ऑल्सो डिस्कस सम प्रोजेक्ट हैव यू डन? ये जी मैं कर चुका हूँ, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप दोबारा ये देख लीजिएगा, लाइव सेव हो जाएगा यहाँ पे पेज पे। विच वन कुड नॉट और विच वन कुड, जैसे जो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती, जैसे स्प्रेड शीट है, गूगल शीट को वॉइस पे मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा अगर कोई करना चाहे तो गूगल शीट वगैरह टाइप की जो चीज़ है वो वॉइस पे ज़ाहिर है कन्वर्ट नहीं हो सकती। या फोटोशॉप का जैसा सॉफ्टवेयर है तो उसको वॉइस पे कन्वर्ट करना मेरे ख्याल है काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस तरह की चीज़ ज़ाहिर है चैटबॉट पे या वॉइस एप्लीकेशन पे नहीं हो सकती। वी कैन यूज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? जी बिल्कुल, अभी इसी तरह से चैटबॉट उर्दू में जो मैं बना रहा हूँ वो इसी तरह से बना रहा हूँ। बनाया तो नहीं है लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को प्रपोज़ किया है कि आप क्या करें, जो फ्रंट एंड है उस पर आप जब बोले उर्दू में तो ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में उसको डायलॉग फ्लो पर भेजें। तो ये जी बिल्कुल, ये काम कर सकते हैं आप। हाउ कैन वी क्रिएट रासा चैटबॉट? अच्छा, रासा जी एक फ्रेमवर्क है जिन लोगों को नहीं पता, लेकिन रासा जो है अभी उभर के सामने आ रहा है आहिस्ता। डायलॉग फ्लो जो है उससे ज़्यादा मैं कहता हूँ बेटर है। और दूसरा ये कि रासा के अंदर फिर पाइथन में उन्होंने बनाया, उन्होंने जावास्क्रिप्ट की इसकी सपोर्ट नहीं दी, तो इस वजह से रासा के कुछ मसले मसाइल हैं अभी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको इवॉल्व कर रहे हैं। पिछले एक साल में उन्होंने 2-3 कोई रिलीजेस किए नहीं, पहले रासा 1 था, फिर रासा 2.0 किया, फिर रासा X निकाला, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं लगता कि इस काबिल है कि वो बिगनर लोगों को सिखाया जाए, और वो बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लर्न रासा। तो इंशाल्लाह रासा भी जब स्टेबल हो जाएगा तो उसका भी कोई ना कोई कोर्स मैं इसी तरह से लॉन्च करूँगा।
सर पाइथन पे ऑलरेडी अलेक्सा स्किल किट जैसे वॉइस असिस्टेंट जैसे वीडियो पर मौजूद हैं। देखें जी, जो पाइथन पे लोग बना रहे हैं ना प्रोग्राम, वो इस अलेक्सा के जैसा जो प्रोग्राम बना रहे हैं। मसला ये है कि आप किसी क्लाइंट को वो बना के कैसे देंगे? आप क्या करेंगे? क्लाइंट को आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? अलेक्सा की जो ऐप अगर आप पब्लिश करते हैं ऑन अदर हैंड, तो वो क्या होगा कि वो पब्लिश हो जाती है और सब लोग यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नाइकी है, नाइकी को शूज़ बेच रहे हैं अपने, तो अब अलेक्सा पे बंदा जाके कहेगा टॉक टू नाइकी, या हे अलेक्सा आस्क नाइकी हाउ मच इज़ द नाइकी रनिंग शूज़ कितने का है, तो वो उसको उसकी फ़ोटो दिखाए, उसके पैसे बताए, और वहीं पे क्लिक करेंगे तो बाय भी हो जाए अमेज़ॉन से। तो ये चीज़ ना उसमें हो नहीं सकती जो आप बता रहे हैं, तलहा अहमद जो आप दोस्त बता रहे हैं ना, ये चीज़ उसमें हो नहीं सकती। ये बाकायदा उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, इसकी इंटीग्रेशन है। आप अलेक्सा से बात करते हैं, वो अलेक्सा आपको टीवी पे भी रिस्पॉन्स दिखा सकता है अगर आपके पास अमेज़ॉन का टीवी है तो, या अगर आप गूगल असिस्टेंट से बात कर रहे हैं तो गूगल टीवी पे भी उसका रिस्पॉन्स आपको दिखाया जा सकता है। ठीक है, फिर पीछे कैमरा कनेक्टेड है गूगल का, आप कहेंगे मोबाइल से कहेंगे मुझे मेरे कैमरे की फीड मेरे टीवी पे दिखाओ, तो वो दिखाएगा। तो ये चीज़ ज़ाहिर जो आप बता रहे हैं उसमें पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से इन चीज़ों को सीखना वर्थ है। कैन वी डू फ्रीलांसिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस? जी, ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी गोरे को ये बता सकें कि भाई ये चीज़ें मुझे आती हैं। अच्छा, जाहिर है फिर विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो आपने बात की ना, ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आपको जाहिर है फ्रेश हैं आप, तो आपको कोई काम क्यों देगा? बहुत अच्छा सवाल है ये भाई। आपको कोई काम इस वजह से देगा कि आप छोटे छोटे डेमो बना के रखेंगे उसको दिखाने के लिए, आप कहेंगे ये मैंने बनाया है यही मैं तुझे बना कर दे दूंगा। ठीक है, तो इस वक्त वो हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जब डिग्रियां वगैरह इन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। आप पाकिस्तान के भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आप जाएँ और आप कहें कि मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है, वो कहेगा ठीक है ग्रेजुएशन अभी किया गया है ज़िंदगी में ये बताओ। फ्रंट एंड के अगर आप डेवलपर हैं वो कहेगा दिखाओ क्या बनाया है, अगर आप मोबाइल ऐप हैं वो कहेगा दिखाओ कौन सी मोबाइल ऐप बनाई है। तो ये उस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, तो आपके पास अगर दिखाने के लिए कुछ मौजूद है ना, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है, फिर आपसे एक्सपीरियंस का सवाल मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया जाएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं लेक्चर को कमेंट्स में, सर आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। अच्छा जी, विदाउट एनी एक्सपीरियंस ये हमने देख लिया। डू दिस कोर्स कंटेन वॉइस चैट एज वेल? जी, हम अलेक्सा की एप्स बनाना सीखेंगे इसमें, और गूगल असिस्टेंट की एप्स बनाना सीखेंगे, दोनों वॉइस पे बात होती है दोनों से। ठीक है जी, और हम चैट बॉट जो टेक्स्ट वाला चैट बॉट है वो भी सीखेंगे इसके अंदर, कि टेक्स्ट पे अगर बनाना चाहें तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस कोर्स के अंदर। अच्छा जी, स्टार्टअप के हवाले से एक दोस्त कह रहे हैं कि आप गाइड कर दें। जी, स्टार्टअप के हवाले से तो यही गाइड करूंगा कि बल्कि मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बना के डाली थी, काफ़ी रात को, 15 मिनट की वीडियो है वो, आप प्लीज़ देखिएगा। उसमें मैंने एंटरप्रेन्योर्स को दावत दी है कि वो प्लीज़ इस कोर्स में ज्वाइन करें, आप प्लीज़ इनरोल करें। उसके रीज़न आपका ये है कि आपका जो दिमाग है ना एंटरप्रेन्योर्स का, और जो कंपनी ऑनर्स का, और जो बिज़नेस वाले लोग हैं उनका, वो दिमाग बहुत अलग तरह से काम करता है। वो एक जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है यूनिवर्सिटी में, वो उस तरह से कभी भी नहीं सोच सकता जिस तरह से आप सोच सकते हैं, या जो अभी फ्रेश हुआ है और किसी जगह पे जाकर इंटर्नशिप कर रहा है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब कर रहा है, वो कभी एक बिज़नेस ऑनर की तरह मेरा ख्याल है कि सोचने की उसके अंदर सलाहियत नहीं होती, वो काफ़ी देर के बाद उसमें आती है। तो आप प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन करें, और आपको यहाँ पे से अच्छी रिसोर्स मिल सकती है। ज़ाहिर है आपको ख़ुद भी पहले पता होना चाहिए, वरना तो डेवलपर आपको चूना लगाएगा, वो कहेगा सर ये तो हो ही नहीं सकता, आप कहेंगे नहीं हो सकता, वो कहेगा नहीं हो सकता, फिर आपकी बहस होगी। तो पहले तो आप खुद सीखें ताकि खुद आपको पता चले, ताकि डेवलपर आपको चूना ना लगाए। अच्छा, फिर आप इस कोर्स के अंदर ही आप लोग देखते रहेंगे कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको आप हायर भी कर सकते हैं। जाहिर है ज़्यादातर लोग इसमें फ्रेश होंगे तो वो कम पैसे में हायर भी हो जाएंगे। इस तरह आपका स्टार्टअप बड़ा अच्छा चल सकता है। आपकी जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर वॉइस की क्या कैपेबिलिटीज़ आप डाल सकते हैं, वो आप कोर्स के दौरान सोचते रहेंगे उसको, और उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। अच्छा जी, हमारे पास 49:40 हो चुके हैं तकरीबन, हमारे पास 20 मिनट्स और हैं। मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। अब सारे क्वेश्चंस मैं नहीं लूँगा, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को ही लूँगा। डस दिस कंटेन वॉइस एज वेल? ठीक है जी। विल देयर बी अ फाइनल हैकाथॉन? सजेशन वुड बी टू एलिमिनेट पीपल? जी, एलिमिनेट जो है ना, पीपल मंथली बेसिस ऑन द असाइनमेंट और कोर्स गोज ऑन, प्लीज लॉस लूज इंटरेस्ट 2-3 मंथ। देखें जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है,
ये अनफॉर्चुनेटली ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा था मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला सवाल किसी ने नहीं पूछा कि सर एलिमिनेट क्या लोगों को किया जाएगा, क्या फाइनल हैकाथॉन में कुछ ऐसी चीज़ होगी। अच्छा देखें जी, हमारे पास ना पाकिस्तानी माशरे में मैं ये बहुत बड़ा फ्लॉ समझता हूँ इस चीज़ को, कि लोगों को ना डरा दिया जाता है। ये रिसर्च है, बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च की गई थी, तो मुझे नाम भूल रहा है कि उस रिसर्च का नाम क्या है। बहरहाल उस रिसर्च में उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि कुछ बच्चों के दिमाग ना छोटे रह जाते हैं, सही तरह से डेवलप नहीं हो पाते, तो उन बच्चों में ऐसे क्या फैक्टर्स हैं। तो आखिर में उसका रिजल्ट ये निकला था कि उन बच्चों को डरा दिया जाता है बचपन में ही। तो इंसान की नेचर है कि जब उसको डरा दिया जाए ना, तो वो दो ही काम कर सकता है, वो या तो लड़ेगा या तो भागेगा, वो तीसरा कोई काम उस वक्त वो नहीं कर सकता। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं दिमाग से कि या तो वो लड़ेगा या तो वो भागेगा, वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। बंदे की बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बंदे की बोन्स की ग्रोथ उस वक्त रुक जाती है जब वो केमिकल्स रिलीज हो चुके होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात। तो इस वजह से मैं जितनी भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ ऑन साइट या ऑनलाइन जो भी, उसमें मैं कोशिश करता हूँ ना कि बच्चों को डराने के बजाय उनको मोटिवेट किया जाए कि यार वो काम करें। अच्छा यही वजह है कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई एलिमिनेशन नहीं की जाएगी। हाँ ये ज़रूर होगा कि आपको हर एक दो क्लास के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, छोटे छोटे टास्क आपको दिए जाएंगे, और आपसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप प्लीज़ इस टास्क को बनाएं, सब मिलके देखें, आप सब मिलके एक दूसरे से डिस्कशन करें। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोड लिख लिया तो वो उसको कोड को छुपा ले कि यार मेरा कोड कॉपी ना हो जाए, बेवकूफ़ी की बात है यार। तो आपने अगर कोई छोटा सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करने वाला बॉर्ड बनाया और आप सोचें कि यार ये मेरा कोई चोरी ना कर ले, बेवकूफ़ी की बात है। तो आप दूसरों को दिखाएं कि यार आपने इस, हाँ लेकिन कोड लिख कर ना दें अपने हाथ से, ये उसके साथ ज़्यादती होगी, आपके खुद के साथ भी ज़्यादती होगी कि आप फ्यूचर उसका तबाह कर रहे हैं। तो हर बंदा अपने हाथ से कोड लिखे, एक दूसरे से मशवरा करें, दिखाएं एक दूसरे को। तो लेकिन एलिमिनेशन नहीं की जाएगी, लोग डरा देते हैं कि यार हम टेस्ट लेंगे, अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया तो हम आपको बाहर निकाल देंगे इस कोर्स से, तो उससे लोग डर जाते हैं, उससे वो फ़ायदा नहीं होता, फिर क्रिएटिविटी निकल के नहीं आती सामने। अच्छा जो प्रोजेक्ट बेस्ड चीज़ होती है उसमें प्रोजेक्ट देख के फ़ौरन समझ में आ जाता है, और हर क्लास के फिर एक दो क्लास के बाद जिसने अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको मैं डिस्प्ले भी करूँगा, शोकेस भी करूँगा, तो ये आपके लिए एक तरह से इंसेंटिव होगा। इसको हम कहते हैं क्रेडिट बेस्ड, पता नहीं क्या सिस्टम कहते हैं। एआई में भी ये चीज़ होती है कि अच्छा काम करते हो क्रेडिट देते हैं आप थोड़ा सा, और अगर आप बुरा काम करते हैं तो वो क्रेडिट आपको नहीं मिलता, पनिशमेंट नहीं होती, जब क्रेडिट नहीं मिलता बस। तो हम वो क्रेडिट सिस्टम बनाएंगे यहाँ पे। इवन आप ये देखें जितने भी एनिमल्स की जो ट्रेनिंग होती है ना, इंसान भी एक सोशल एनिमल है, तो जो जैसे डॉग्स की जो ट्रेनिंग होती है, जब पैरट्स की जो ट्रेनिंग होती है बोलने की, आप उस अगर वीडियो देखें कोई, उसमें वो जैसे ही अच्छा कुछ बोलता है उसको खिलाते हैं जल्दी से। तो यही दुनिया में चल रहा है, इंसानों की ट्रेनिंग का यही तरीका होना चाहिए मेरा ख्याल है। एंड रिगार्डिंग मैनीचैट, मैनीचैट जनाब हम नहीं इसमें करेंगे, वो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो बिगनिंग वाली चीज़ है, वो हम इसमें नहीं करेंगे। यू स्किप माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ एड द बिलाल ऐप आइकन, देयर इज़ अ मैनी ऐप नेम बिलाल। यार अभी मैं देखता हूँ, अगर मुझे बिलाल की ऐप अगर दिख जाए तो। असल में वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए, मुझे देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। उमेर खलील साहब, गुड इनिशिएटिव, कीप इट अप डियर, थैंक यू सो मच जी। विच ऐप रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग चैट बॉट यू हैव टू, जी जूम पे हम ये क्लासेस करेंगे, जूम आपको रिक्वायर्ड है। कुड यू रिपीट द नेम ऑफ ऐप नेम अगेन, एक बिलाल मैंने ऐप बिलाल के नाम से बताया था, मैं तकरीबन 2-3 साल पहले वो मैंने ऐप की थी, अभी बिल्कुल रिसेंट वाकया भी नहीं है। बिलाल एआई था या बिलाल था गालबन, इस तरह की कोई चीज़ थी। आप जब उस ऐप को खोलेंगे ना, सामने बड़ा सा माइक का उसमें आइकन बना हुआ होगा, ये उसकी पहचान है। वी कैन प्रोग्राम चैट बॉट इन रस्ट, नहीं जी रस्ट में इस वक्त आप चैट बॉट का कोई ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जिसमें आप बना सकें। अच्छा जी, बोथ मोड्स कैन बी मर्ज इन चैटबॉट लाइक टेक्स्ट एंड वॉइस, जी जी हम दोनों मोड्स में कर सकते हैं चैटबॉट, बिल्कुल दोनों में कर सकते हैं। एनी रेफरेंस बुक, जी बुक बिल्कुल मौजूद है, एक बुक है जिससे हम अलेक्सा पढ़ेंगे, वो जब आप इनरोल होंगे तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वो मैं पब्लिकली शेयर बुक नहीं कर सकता क्योंकि वो पेड बुक है, ठीक है, वो खरीदी गई है, तो वो पब्लिकली मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, माजरत के साथ। अच्छा सर, हम कोर्स में चैटबॉट को मोबाइल ऐप के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जी चैटबॉट को मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में वो कवर नहीं कर रहे। अगर आप पहले से मोबाइल ऐप के डेवलपर हैं, आप एंड्रॉयड या आईओएस के डेवलपर हैं आप, तो आप उसको बिल्कुल अपने मोबाइल ऐप में लगा सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम वो चीज़ कवर नहीं कर रहे।
इस कोर्स में हम गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा पे लगा कर देखेंगे और टेक्स्ट लगा कर देखेंगे कि किसी भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आप चैटबॉट लगा दें, वो कोने से छोटा सा निकल के आएगा, आप उससे बात करें। तो इतना हम इसमें कवर करेंगे, मोबाइल ऐप में हम इंटीग्रेशन कवर नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, एक दोस्त ने जो है ना अल बुरगान, क्लाइंट का नाम अल बुरगान था, तो ये उन्होंने ना भेज दिया है लिंक, ये बिल्कुल सही लिंक भेजा उन्होंने। अच्छा, एनी बुक ऑफ, जी बुक का मैं जिक्र कर चुका हूँ, ऑल्सो प्लीज़ गाइड अस ऑन द फ्रीलांसिंग, दिस टेक्नोलॉजी वुड बी पॉसिबल टू टेक एनी एक्चुअल प्रोजेक्ट टू डेवलप। जी जी, एक्चुअल प्रोजेक्ट डेवलप मैं खुद कर रहा हूँ, आप मेरी अपवर्क पे जाके देखें, वहाँ पे सिर्फ आपको चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन ही मिलेगी, और कोई दूसरा काम ही नहीं किया मैंने पिछले 2-3 साल में। कुड यू प्लीज़ शेयर योर कम्प्लीट कोर्स आउटलाइन? जी, कोर्स आउटलाइन मैंने फेसबुक के पेज पे पोस्ट किया हुआ है, उसका लिंक मौजूद है कोर्स आउटलाइन के नाम से। तो जिस फेसबुक की पोस्ट पे आप ये देख रहे हैं लाइव सेशन, उसी पे आप जाके पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये है उस पेज का लिंक। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये आपको उस पेज पे लेकर चला जाएगा, तो आप इसको स्कैन करके भी जा सकते हैं। WhatsApp पे आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा है, जस्ट इन केस। अच्छा, लाइक यूनिवर्सिटीज सम प्रोजेक्ट्स लिस्ट फ्रॉम विच वी कैन चूज द प्रोजेक्ट एंड डिलीवर ETC। ये मैं बात समझा नहीं, क्या बात करना चाह रहे हैं आप, ये प्लीज़ रिपीट करें आप। लाइक यूनिवर्सिटीज सम प्रोजेक्ट्स लिस्ट फ्रॉम विच वी कैन, अच्छा ये आप कह रहे हैं कि आपको 2-3 दे दिए जाए, उसमें से कोई एक बना लें। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं उससे रिलेटेड एक ही आपको टास्क दूंगा 2-3 क्लास के वक्फे से, तो वही आपको बनाना होगा। अभी मतलब देखें, आप बात को समझिएगा, एक अच्छा टास्क सोचने में भी बहुत मेहनत लगती है। मिसाल के तौर पे आज मैंने एक इंटेंट्स पढ़ाया आपको, तो अब मुझे कोई ऐसी आपसे ऐप बनवानी है जो अगर आप बना लें तो इंटेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। तो ये सोचनी पड़ती है इस तरह की चीज़, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दिया, तो सोचनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि आप 3-4 दें मुझे, मैं उसमें से कोई एक बनाऊंगा, तो ये मेरे ख्याल है मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और व्हाट वर आवर प्रीवियस प्रोफेशन? जी हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू में नहीं करवाया, आप मेरे पेज पे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक्डइन पे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि मेरा क्या प्रोफेशन रहा है। और छोटा सा मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने 2013-14 में स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट किया था मैंने, और फिर एंगुलर वगैरह के ज़माने की बात है, एंगुलर JS उस वक्त हुआ करती थी, फिर रिएक्ट का दौर आ गया, उस वक्त आयोनिक के नाम से एक हाइब्रिड मोबाइल ऐप का फ्रेमवर्क था, तो उस पर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट शुरू की, फिर रिएक्ट पे मूव हो गया, फिर रिएक्ट नेटिव आ गई, रिएक्ट नेटिव पे काम किया, फिर 2016-17 तक जब रिएक्ट बिल्कुल उरूज पे जा चुकी थी, तो उस वक्त मैंने साइट पे ये भी चीज़ें लर्निंग करना शुरू कर दी। तो ये जी मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा जी, बिफोर चैटबॉट, जी बिल्कुल बिफोर चैटबॉट का मैंने आपको बताया, वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ मैं 2013-14 से। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव ओरिएंटेशन क्लास, सी यू इन क्लास, थैंक यू सो मच बिलाल सोहेल अवेस, आई मीन लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अच्छा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का आप कह रहे हैं कि 2-3 आपको दे दिया जाए? नहीं जी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो जब होगा तो देखा जाएगा कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपसे एक प्रोजेक्ट, और बाय द वे ये बड़ा इन्होंने इंपॉर्टेंट बात भी की है, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा, वो भी कोर्स का पार्ट है। अच्छा, अगर वो प्रोजेक्ट आप कोई बना लेता है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट, और वो एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा जो डिजिटली वेरीफाइबल होगा। मिसाल के तौर पे जैसे आप ये QR कोड देख रहे हैं, वो उस सर्टिफिकेट पे ऐसी एक QR कोड लगा होगा, और उसको स्कैन करेंगे आप तो वो आपको एक पेज पर लेकर जाएगा, और वहाँ पे आपका फ़ोटो, नाम वगैरह हर चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, तो वो सर्टिफिकेट पे एक डिजिटल सिग्नेचर की हैसियत होगी कि आप किसी को भी स्कैन करके भेजें या किसी को फोटोकॉपी भेजें उसकी, तो उसमें वो QR कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करेगा, वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये इसी बंदे का है सर्टिफिकेट जिसका नाम लिखा हुआ है, आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी, सर्टिफिकेट पे आपकी फ़ोटो नहीं होगी लेकिन वहाँ पे आपकी फ़ोटो भी आ रही होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह का एक एडवांस किस्म का आपको जो है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा जो लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो बन जाए जिनसे। अच्छा जी, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की आजकल कैसी मार्केट है? जी वो तो मोबाइल ऐप जितनी डिमांड है उसकी डिमांड उतनी रहेगी, जाहिर है बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो रिएक्ट नेटिव का जिस तरह से शुरू में मार्केट शेयर था अब जाहिर है उतना नहीं रहा है, अब कुछ फ्लटर में और कुछ दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में डिवाइड हो चुका है वो, लेकिन स्टिल रिएक्ट नेटिव की एक अपनी वैल्यू है।
कैन चैट बॉट जॉब सर्वाइव इन नेक्स्ट 20? नहीं जी, 10-20 ईयर तो आपने बहुत ज़्यादा कह दिया। मेरा ये ख्याल है कि अगले 5 सालों में या शायद 2-3 सालों में उर्दू की सपोर्ट थोड़ी बहुत बाय द वे आ भी चुकी है, बेटा में चल रहा है वो भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 2 साल में ना उर्दू की फुल सपोर्ट आ जाएगी। और उर्दू की जैसे ही फुल सपोर्ट आएगी तो अगले 2 सालों में पूरी उसकी मार्केट डेवलप हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि 5 साल बहुत ज़्यादा है इसके लिए, 5 साल से ज़्यादा इसको नहीं लगेगा। अच्छा, ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट? नहीं जी, ब्लॉकचेन बेस्ड, अगर हाँ कोई ब्लॉकचेन का डेवलपर है और वो मुझे इनरोल हो जाता है तो मैं उसी को कहूँगा फिर कि बना दो सबके लिए, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ पर, ये भी बन जाएगा। लेकिन खैर इस तरह का नहीं होगा, ब्लॉकचेन फिलहाल मैंने अभी कंसिडर नहीं किया। वी कैन इंटीग्रेट चैटबॉट विद फ्लटर? जी ऑफ कोर्स, हम इस कोर्स में ये चीज़ कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आपको इतना इस कोर्स में सिखा दिया जाएगा कि अगर आप पहले से फ्लटर के डेवलपर हैं तो आप चैटबॉट को फ्लटर की ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या आप अगर एंड्रॉयड के या iOS के डेवलपर हैं तो आप उसको अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आप Node.js को कंप्लीट कवर करेंगे? नहीं जी, हम Node.js, जैसा कि आपने देखा होगा कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है, हम Node.js के ऊपर एक सर्वर बनाना सीखेंगे एक्सप्रेस का, और उसमें 4 तरह की जो रिक्वेस्ट होती है, क्रड ऑपरेशन हम इतना करेंगे, MongoDB कनेक्ट करना सीखेंगे उससे, तो इतना सीखेंगे हम कि गुड इनफ हो जाए कि आप चैटबॉट पे काम कर सकें। अच्छा बाय द वे, जितना भी यहाँ पे कवर करेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, उतना ही सिखा के ना लोग कहते हैं पूरा ही है, ठीक है, हालांकि वो पूरा नहीं है। तो जाहिर है Node.js के बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, लेकिन जितना आमतौर पर सिखाया जाता है ना उतना तो कर ही लेंगे हम, इतना कर लेंगे कि आराम से एक सर्वर बना सकेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास 8 से 10 मिनट और रह गए, तो अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो प्लीज़ पूछ सकता है। जब तक मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको एक इजी पैसा का नंबर दिया गया, वो मैं इस लाइव सेशन में भी ऊपर लिंक में लगा दूंगा, इजी पैसा का वो नंबर और कोर्स आउटलाइन का लिंक लगा दूंगा, उसमें सब कुछ अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इजी पैसा के अकाउंट में आप फीस पे करेंगे, और उसका आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का जो ग्रुप बताया गया उसमें, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। विच प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द फ्लटर चैटबॉट इफ़ वी कैन क्रिएट? सिंपल, आप एक चैट की एप्लीकेशन बनाएंगे और उसमें कुछ भी लिख के जब एंटर करें तो आप वो मैसेज उठा के आप डायलॉग फ्लो को भेज देंगे, डायलॉग फ्लो आपको उसका रिस्पॉन्स कर देगा, और डायलॉग फ्लो तो पूरी तरह से कवर होगा इंशाल्लाह इस कोर्स में। तो इस तरह से ये होगा, अगर आप मोटी मोटी बात बताइए आपको मैंने। Where will we learn all other things? अच्छा जी, all other things में आप क्या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करें? जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के तो और दूसरे कोर्सेज हैं, वो अच्छी तरह से सिखा रहे हैं, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो आप वहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ चैटबॉट सीखेंगे, और आप सीखेंगे कि अलेक्सा के लिए ऐप किस तरह से बनाई जाती है, गूगल असिस्टेंट के लिए ऐप किस तरह से बनाई जाती है, और किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे अगर आपको एक चैटबॉट लगाना है टेक्स्ट वाला तो वो आप कैसे बना सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे, और बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को सीखेंगे। अच्छा, फिर उसी चैटबॉट को अगर मोबाइल ऐप में लगाना है तो आपको मोबाइल ऐप का ज़ाहिर है कोई अलग से कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा, उसी चैटबॉट को अगर आपने किसी रसबरी पाई के डिवाइस में लगाना है और आप चाहते हैं कि एक फ्रिज है वो बातें करना शुरू कर दे, तो उसके लिए वो एडवांस IoT का कोर्स है जो शायद मैं ही कभी ना कभी लॉन्च करूं, लेकिन वो हम इसमें फिलहाल बहुत एडवांस टॉपिक जो है चैटबॉट के वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। ई कॉमर्स फ्लटर ऐप? जी ई कॉमर्स का तो मेरा कोई ऐसा वो नहीं है, तो आप मुझसे ई कॉमर्स क्यों पूछ रहे हैं? फ्लटर भी मैं बिल्कुल, फ्लटर का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो लोग फ्लटर, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं जाके बिल्कुल। विल यू गाइड अस हाउ अबाउट टू माई एक्सटर्नल सोर्स? ये मैं समझा नहीं एक्सटर्नल सोर्स वाली बात। सर कोर्स में JavaScript पूरी कवर होगी? अजी JavaScript के जो फंडामेंटल्स हैं वो इंशाल्लाह पूरे कवर होंगे, इफ एल्स, फॉर लूप, वेरिएबल्स और स्विच स्टेटमेंट और जो मैप और फॉर लूप, ये जो सारी चीज़ें, ये इंशाल्लाह हम पूरी तरह कवर करेंगे JavaScript की। कोर्स आउटलाइन में वो चीज़ें लिखी हुई हैं एग्जैक्टली कि जो जो चीज़ें हम JavaScript की कवर करने जा रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है एग्जैक्टली। हम जो चीज़ें लेकिन हम पढ़ेंगे वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये प्लीज़ सब लोग इस चीज़ को प्लीज़ समझें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स आउटलाइन में ना पूरी दुनिया जहान की चीज़ लिख देते हैं, पढ़ते कोई भी ठीक से नहीं है। हम इंशाल्लाह जो भी चीज़ लिखी हुई है कोर्स आउटलाइन में वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बस सरसरी सा पढ़ के हम निकल गए, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यही वजह है कि मैंने JavaScript के भी ना सेलेक्टेड फंडामेंटल चीज़ें उठाई हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमें मोस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो वो हम चीज़ें कर रहे होंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच उमर, जो भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। सलील मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कनाडा से हैं ये, ये भी इस कोर्स में इनरोल हैं। ग्रेट सेशन इंजमाम भाई, सी यू इन द क्लास थर्सडे। सलील इसमें इनरोल कर चुके हैं और इसमें पूरी दुनिया से हमारे पास लोग इनरोल हैं, ओमान से मैंने देखा कुछ लोग इनरोल हैं इसमें, और भी कोई एक दूसरी कंट्री में नाम भूल रहा हूँ उसका। तो इसमें बहुत सारे तकरीबन 50 के करीब लोग इसमें इनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारे पास 20 के करीब और सीट्स मौजूद हैं। तो जो भी लोग इसमें इनरोल करना चाह रहे हैं वो प्लीज़ कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा माहौल हमने बनाने की कोशिश की है। और पूरी दुनिया से जो लोग उर्दू और हिंदी समझते हैं वो पूरी दुनिया से लोग, सलील मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो ये हिंदी समझते हैं, तो ये इसमें कोर्स में इनरोल हैं। तो आप दुनिया में किसी भी जगह मौजूद हों, अगर आप उर्दू हिंदी समझते हैं तो आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। और फीस इजी पैसा जाहिर सी बात है कनाडा में अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फ़ीस वगैरह पे करनी है अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। तो सर वेयर विल वी फाइंड दीज अदर कोर्सेज सच एज गाइडर्स? दोस्त अदर कोर्सेज के बारे में मैं क्या गाइड करूँ, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। लिटरेली अटेंशन स्पैम फुल टाइम तक रखा स्पैन, अच्छा अटेंशन, थैंक यू सो मच यार। दोस्त कहना चाह रहे हैं कि बहुत इंगेजिंग लेक्चर रहा है, दैट्स गुड। सर प्लीज सजेस्ट एनी गुड वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। वेब डेवलपमेंट जी आप रिएक्ट पे सीख सकते हैं, थोड़ी बहुत रिएक्ट बाय द वे इस कोर्स में भी हमने शामिल करनी है, रिएक्ट का ओवरव्यू थोड़ा सा है यहाँ पे भी, लेकिन जाहिर अब पूरा नहीं कर सकते हम। अच्छा मोहम्मद यूसुफ वॉचिंग, मोहम्मद यूसुफ मेरे क्लास फेलो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। सर डू यू टीच समवेयर फिजिकल? जी सैलानी वेलफेयर से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, इस हवाले से सैलानी वेलफेयर में मैं फिजिकल दो सेक्शन, इसी कोर्स के दो सेक्शन में ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। उस कोर्स को शुरू हुए तकरीबन एक महीना हो गया और इंशाल्लाह वहाँ पे मज़ीद भी बैजेस चैट बॉट के वहाँ पे लॉन्च होंगे। वहाँ पे वेब डेवलपमेंट के भी बैजेस अभी लॉन्च जो हो चुके हैं, उसके एडमिशन तो बाय द वे क्लोज हो गए हैं, उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं पढ़ा रहा हूँ कराची में सैलानी वेलफेयर के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है फिजिकल पढ़ा रहा होता हूँ। अच्छा जी हमारे पास 3 मिनट मौजूद हैं, तो अगर कोई भी दोस्त कुछ पूछना चाहे तो वो हम एक सवाल गालबन और ले पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं कि हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की है, तो आप के पास ये अवेलेबल रहेगा यहाँ से इस पेज के ऊपर। आज पहली क्लास थी हमारी इस कोर्स की जो कि सब लोगों के लिए फ्री रखी गई थी, और आप बिल्कुल अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने देखा कुछ लोग जैसे यूसुफ हैं उन्होंने अभी ज्वाइन किया, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं बिल्कुल कोई मसला नहीं है, वो यहीं पर ये क्लास अवेलेबल रहेगी। हाँ जो बाकी की क्लासेज हैं जो कि 2 दिसंबर से ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे 3 दिन हम रात 8 से 10 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम ये क्लास कर रहे हैं, उसमें इनरोल होने के लिए आप कोर्स आउटलाइन जो मैंने पोस्ट की है उसको देखें, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर आप गौर करें, और उसके अंदर इजी पैसा का एक नंबर दिया हुआ है उसके ज़रिए आप फीस पे कर सकते हैं, उसके अंदर व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह गुड जर्नी विल स्टार्ट। When we are starting? जी उमर जैसा मैंने बताया आज हमारी इस कोर्स की पहली क्लास है और 2 दिसंबर से हमारी दूसरी क्लास है, और फिर ऑनवर्ड्स हम जूम पे क्लास किया करेंगे। यहाँ पे जो फेसबुक लाइव पे सब लोगों के लिए फ्री है वो सिर्फ पहली क्लास मैंने रखी थी, जिसका रीज़न ये था कि अवेयरनेस थोड़ी सी बताई जाए लोगों को बताया जाए कि ये क्या चीज़ है जो एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं। जाहिर आप किसी चीज़ में जब इनरोल कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक सर्टेनिटी का एक लेवल आपको होना चाहिए, उसके बगैर फिर अच्छा नहीं लगा, मतलब आपको सर्टेनिटी जब तक नहीं होती आप इनरोल कर जाते हैं, फिर आपको पता चलता है अच्छा ये तो कुछ और है, तो फिर एक काफ़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है, फिर आप उस कोर्स को ड्रॉप कर देते हैं, फिर आप कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो उससे कोर्स पे भी एक काफ़ी बुरा असर पड़ता है कि भाई पहले तो बहुत सारे लोग इनरोल हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग एकदम कम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये वाला जो ओरिएंटेशन क्लास है ये सब लोगों के लिए फ्री रखा था, और इसमें मैंने अवेयरनेस से रिलेटेड काफ़ी बातें की हैं, और आप लोगों के सवाल भी इसी वजह से मैंने सारे लिए हैं, ताकि जिसके भी जहन में जो सवाल है वो पूछ ले। यहाँ पे मैं कुछ अपने पास से भी मैंने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ था, वो सारा आपसे शेयर किया है, और अगली क्लास से इंशाल्लाह प्रॉपरली हम शुरू करेंगे इस कोर्स को जूम पे। अच्छा जी
अच्छा जी, तो पूरे 10 बज चुके हैं इस वक्त, हमने 8 से 10 ये सेशन रखा था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आप मुझसे पर्सनल सवालात भी कर सकते हैं, ये मैंने अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह और सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा रात को प्लीज़ फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज लेकिन आप जब भी चाहें छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, रिपीट द नेम ऑफ अमेज़ॉन विद USA रीजन। अमेज़ॉन अलेक्सा के नाम से ऐप है जनाब, वो आप देख सकते हैं गूगल से कि वो कैसे उसका रीजन वगैरह चेंज करके। अमेज़ॉन अलेक्सा की एक ऐप है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो उससे अलेक्सा आपके फ़ोन में आ जाएगा। अच्छा जी, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है मेरा, लिंक्डइन का है, इन सब जगहों पे आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी वक्त 24 घंटे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, हो सकता है रिप्लाई करने में थोड़ा लेट करूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा उसका। और अगर आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं जो जिसका जिक्र कोर्स आउटलाइन के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप ही के जैसे जो उसमें कोर्स आप ज्वाइन करके बैठे हैं, वो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी कोर्स में। अल्लाह हाफिज़।